पर हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी। ओके, ये हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर आपको क्लास नंबर 23 देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम वहीं पर बात करें, ये भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी का लेक्चर नंबर आपको 1 देखने को मिलेगा। यहाँ से आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छे से इसके भी नोट्स बनाने हैं, जैसे आप लोगों ने प्रीवियस सभी के नोट्स बनाए हैं, इसके भी आपको अच्छे से नोट्स बना करके चलने हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान। ये भी किसकी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी? ज्योग्राफी की ही ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। इसका लेक्चर नंबर 1 है। ओके, क्लास नंबर आपको 1 देखने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं भू आकृति विज्ञान के बारे में, हम इसके अंदर किस चीज का अध्ययन करेंगे और किस तरह से आपको जैसे सारे अप्रोच बनाए थे ज्योग्राफी का, इसमें भी आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं ना कि हमारी पृथ्वी के ऊपर इतने पर्वत पठार सब कुछ पाया जाता है। अब ये इसी का जो अध्ययन करते हैं वो हम भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, क्योंकि इसके नाम के अंदर ही है भू। भू का मतलब होता है भूमि, यानी कि जो हमारी धरा है। ओके, और आकृति का मतलब है कि इसका शेप कैसा है, यानी कि हमारी जो भूमि का शेप कैसा है, इसला करती है, किस प्रकार की पाई जाती हैं, इन्हीं का हम अध्ययन करते हैं भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा सा साइंटिफिक रूप से बात करने का प्रयास करते हैं। अभी तो हमने एक लेमन लैंग्वेज में आपको समझा दिया। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि बहुत महत्वपूर्ण देखने को मिलेगी। और देखिए, कल की जो क्लास होगी वो आज से ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। आज आपका पूरे अप्रोच बना देंगे और यहाँ से पीटी और मेंस दोनों के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ना केवल पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि पीटी के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उससे कई गुना ज्यादा आपको मेंस के लिए भी देखने को मिलेगा। और अकेले अगर हम बात करें, तो अगर एक फिजिकल ज्योग्राफी में अकेले अगर हम बात करें इसकी, तो 60 से 70% कवरेज रखता है। अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी की सिर्फ बात करें, इसके अलावा भी बहुत सेक्शन होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर का सेक्शन होता है, ज्योग्राफी के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा इंडिया की जो ज्योग्राफी होती है, मैपिंग होती है, वो सब इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भू आकृति विज्ञान को, भू आकृति विज्ञान को। और ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक देखने को मिलेगा, जैसे समुद्र विज्ञान है, आपको 4 लेक्चर में 4 क्लासेस में कवर करा दिया गया और उसको थोड़ा सा सेक्शन है उसके संबंध यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। ओके, तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? इसके अंतर्गत हम पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह के उच्चावच, और उच्चावच कोई, उच्चावच का मतलब क्या है, जो ऊंची नीची स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, उसी को हम क्या नाम दे दिए हैं, उच्चावच नाम दे दिए हैं। ओके, आप उच्चावच बोल लीजिए, फिर स्थलाकृति बोल लीजिए, कोई इसमें दो राय नहीं है, बात एक ही है। ओके, हम पृथ्वी की सतह के उच्चावच का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। ओके, तो देखिए, अगर हम बात करें भौतिक भूगोल में, तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत अगर हम बात करें फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल की अगर हम बात करें, तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही आपको भू आकृति विज्ञान देखने को मिलेगा, जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। देखिए, इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, हम देखेंगे पृथ्वी की सतह है। ओके, सतह पर स्थलाकृतियों का अध्ययन, एक की पॉइंट क्या हो गया आपको देखने को मिलेगा, पृथ्वी की सतह है इस पर, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, नहीं, हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, तो जो हमारा मेन अध्ययन का केंद्र होगा, जो हमारा मेन फोकस होगा, वो पृथ्वी की सतह ही होगी। देखिए, हम पृथ्वी के जो इनर पार्ट है उसका भी अध्ययन करेंगे, लेकिन उसका एक ब्रीफ अध्ययन करेंगे, बस थोड़ी सी चीजें जान लेंगे, बस आपको एक लेक्चर ही आपको उस पर देखने को मिलेगा। लेकिन जो रियल लेक्चर होंगे, जितने भी लेक्चर होने वाले हैं, जिनका संबंध है, जहां से क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा पृथ्वी की उस सतह से पूछे जाते हैं जिसका संबंध मानव से कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा जहां पर मानव का इंटरेस्ट होता है तो वहां से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां मानव नहीं रहता तो वहां पर उसका कोई मतलब नहीं बनता। ओके, तो पृथ्वी की सतह पर हम क्या करेंगे, स्थलाकृति का तार्किक
वैज्ञानिक, वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। ओके, यानी कि ऐसे नहीं कि शंकर जी की चोटी से गंगा निकल रही है। अब गंगा क्यों निकल रही है भाई, उसके द्वारा घाटियों का निर्माण हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, भूकंप आ रहा है, ये नहीं शंकर जी की गाय है तो शंकर जी की गाय ने सिर हिला दिया तो भूकंप आ गया। अरे हम लोग किस तरह से अध्ययन करेंगे, हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे तार्किक रूप से और वैज्ञानिक रूप से सभी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आध्यात्मिक चीजों का अध्ययन नहीं करना है। ओके, धार्मिक मामलों को थोड़ा सा दूर रखना है। अभी आप लोग देख सकते हैं कर्नाटक में हिजाब मामला और जो जय श्री राम वाला मामला है कितना ज्यादा चल रहा है, कितना ज्यादा प्रबल देखने को मिलेगा। ओके, आजकल के यूथ है वो पता नहीं किधर जा रहे हैं, आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए हम इन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे, वो तार्किक एवं वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए भू आकृति विज्ञान में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी। देखिए हम लोग देखते हैं कि जो प्रभाव होता है, प्रभाव का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर भू संचलन होता है, जैसे कि दो प्लेटें कहीं पर आती हैं, जैसे दो प्लेटें हैं, मानते हैं ये क्या है, एक प्लेट है। ओके, ये इस तरफ आ रही है और दूसरी प्लेट है ये इस तरफ आ रही है। ओके, तो इन दोनों के अभिसरण के कारण प्लेट क्या है, दो चट्टाने मान लीजिए, चट्टान नहीं समझ में आ रही, दो ट्रक मान लीजिए, दो ट्रक आकर के आपस में भिड़ेंगे तो भिड़ने के बाद क्या होगा, चूरमुरा जाएंगे और एक क्या होगा, एक ऊपर चला जाएगा या फिर एक नीचे चला जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो वही क्या है, प्रभाव है। तो हमारी पृथ्वी पर भी विभिन्न इसी प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं। ये प्लेटें भी क्या कर रही हैं, संचलन कर रही हैं, मतलब ये स्थिर नहीं है। इसीलिए हमारी पृथ्वी के ऊपर इतने ऊंची ऊंची स्थलाकृतियां जिसको बोलते हैं पर्वत बोलते हैं, और आपको बहुत नीची नीची स्थल भी देखने को मिलेंगे जिनको आप लोग गर्त के नाम से जानते होंगे। तो इनका निर्माण कैसे हो रहा है, इनका निर्माण इसीलिए हो रहा है कि कोई ना कोई बल तो कार्य कर रहा होगा ना। तो ये बल है, वही बल क्या करता है, इन सभी चीजों के कारण हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण कर देता है। तो देखिए जो प्रभाव होगा, हम देखेंगे प्रभाव क्या हो रहा है और कहाँ पर प्रभाव हो रहा है भाई। ओके, क्या हो रहा है और कहाँ पर प्रभाव हो रहा है। जैसे कि कहीं पर भू संचलन हुआ, भू संचलन हुआ तो उससे हिमालय का निर्माण हुआ मानते हैं। हमारे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, दो प्लेटों के अभिसरण के कारण। एक तरफ हमारी भारतीय प्लेट थी, आपको बताते हैं यहाँ पर देखिएगा इस तरह से, एक तरफ आपको हमारी ये भारतीय प्लेट देखने को मिलेगी। ओके, इस तरह से हमारी भारतीय प्लेट थी, और देखिए एक तरफ हमारी भारतीय प्लेट थी और दूसरी तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, इस तरह से एशिया देखने को मिलेगा। हमारी जो भारतीय प्लेट थी टहलते टहलते जा रही थी, उत्तर की ओर जा रही थी। अब ये उत्तर की ओर जा रही थी, ये अभी की बात नहीं हो रही है। आप कहेंगे यार कब ये टहलती हुई जा रही थी, देखिए टहल तो अभी भी रही है लेकिन इसकी गति होती है वो बहुत कम होती है, कुछ सेंटीमीटर ही एक साल में एक शतक पाती है। यानी कि 5 अरब वर्ष पहले की बात करें तो आपको हमारा भारत है वो आपको दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलेगा। अभी हमारा भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। यानी कि हमारा भारत है, हमारी जो भारतीय प्लेट है वो टहलते टहलते पहले कहाँ थी, दक्षिणी गोलार्ध में थी, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध से टहलते टहलते कहाँ आ गई, उत्तरी गोलार्ध में आ गई। अब उत्तरी गोलार्ध में आ गई, इधर कौन था, अब ये चाइना था, अब चाइना था, इधर चीन था। ओके, वैसे चीन हम नहीं बोलेंगे क्योंकि उस समय चीन और भारत का कोई नामो निशान नहीं था। ओके, ये क्या थी, एशियाई प्लेट थी। लेकिन आपको अच्छे से एक स्टोरी के फॉर्म में समझाने के लिए नाम ले लेते हैं। तो देखिए इधर चीन था और इधर भारत था। ओके, तो भारतीय प्लेट क्या हो गई भाई, इसके अंदर जा करके इस तरह से इससे टकरा गई। ओके, टकरा गई और टकराने के बाद क्या हुआ, एक प्लेट थी वो ऊपर उठने लगी। एक प्लेट जब ऊपर उठने लगी तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का निर्माण किया जिसको बोलते हैं हिमालय। तो समझिए कि पहले यहां पर इस प्रकार की स्थलाकृति नहीं थी, बाद में ये निर्माण हुआ भाई। तो कहाँ हुआ, भारत के उत्तर में आपको देखने को मिलेगा। तो कहाँ पता चल गया, कहाँ पता चल गया, जैसे कि अगर हम हिमालय की बात करें, इसी तरह से आपको एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत, आल्प्स पर्वत, इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण आपको देखने को मिलेगा। कहाँ, मैप पर देखना है, कहाँ आपको मैप पर देखना है, मैप एटलस अब आप अपने पास हमेशा रखिएगा, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते समय आपको हमेशा एटलस अपने पास रखना है। ओके, और प्रभाव में हम लोग देखेंगे कारण। ओके, कारण है वो क्यों हुआ और कैसे हुआ भाई, क्यों हुआ और कैसे हुआ, हम इसका अध्ययन करते हैं। अब कैसे हुआ या फिर क्यों हुआ ये हम कहाँ अध्ययन करेंगे, इसके
अंदर अध्ययन करेंगे, भू आकृति विज्ञान के अंदर अंदर अध्ययन करेंगे। जैसे अब एक प्लेट खिसकी तो क्यों खिसकी भाई, और खिसकी तो चलिए ठीक है भाई, एक पर्वतों का निर्माण तो हुआ, लेकिन कैसे हुआ, कौन सी प्लेट अंदर गई, कौन सी प्लेट ऊपर आई, ज्वालामुखी प्रक्रिया है वो कैसे हुई, उसका प्रोसेस क्या था, ये सभी अध्ययन हम क्या करेंगे, भू आकृति विज्ञान में हम इस चीज का अध्ययन करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह की हमारी पृथ्वी के ऊपर आपको स्थलाकृतियां देखने को मिलेगी, और यहाँ से डायरेक्ट पीटी में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से इस चीज को नोट करिएगा, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर जो लोग भी लाइव हैं वो एक बार मैसेज करें जिससे हमें समझ में आए कि कौन कौन अभी प्रेजेंट है। तो देखिए अगर हम बात करें पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊंची स्थलाकृति जो आपको देखने को मिलेगी वो कौन सी है, पर्वत है। किसी को कोई दो राय तो नहीं है, किसी को ऐसा तो नहीं है कि पृथ्वी पर जो स्थलाकृतियां पाई जाती हैं उसमें सबसे ऊंची और कोई चीज भी पाई जाती है पर्वत के अलावा। तो हमारी पृथ्वी पर जो सबसे ऊंची स्थलाकृति देखने को मिलेगी वो क्या है, पर्वत है। क्या है, पर्वत है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माउंटेन बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, माउंटेन बोलते हैं। ओके, अब देखिए माउंटेन है वो सबसे ऊंची स्थलाकृति देखने को मिलेगी, इसके बाद क्या आता है, घाटी आती है। अब घाटी के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, पठार देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, पठार देखने को मिलेगा। पठार है वो आपको माउंटेन यानी पर्वतों से नीचे थोड़ी स्थलाकृति देखने को मिलेगी। ओके, अब देखिए पठार के बाद जो आपको देखने को मिलेगा फिर क्या आता है, मैदान आता है। और मैदान कैसा होता है, कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, समतल होता है थोड़ा सा मैदान। ओके, अब क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर मैदान। मैदान क्या होता है, पठार से आपको नीचा देखने को मिलेगा, लेकिन आप जैसे ही मैदान से हल्के हल्के आगे बढ़ेंगे आपको फिर देखने को मिलेगा जो कोस्टल मैदान होता है, यानी कि जो कोस्टल प्लेन होता है वो देखने को मिलेगा, जिसे बोलते हैं तटीय मैदान बोलते हैं। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको तटीय मैदान देखने को मिलेगा, तटीय मैदान देखने को मिलेगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोस्टल प्लेन बोलते हैं। जैसे आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे टहलते हुए, अब प्लेन के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, अब आपको देखने को मिलेगा यहां पर थोड़ा सा इस तरह से स्लोप होता है जिसको बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न तट बोलते हैं। ओके, ये क्या है, महाद्वीपीय, महाद्वीपीय मग्न तट मिलेगा, मग्न तट मिलेगा। अब देखिए जैसे आप इससे जाएंगे आगे ना, तो आपको एक खड़ी ढाल देखने को मिलेगी, जब आप समुद्र में प्रवेश कर रहे होंगे ना तो आपको देखने को मिलेगी खड़ी ढाल देखने को मिलेगी, जिसको बोलते हैं महाद्वीपीय ढाल। इसको क्या बोलते हैं, जो इस प्रकार की जो संरचना आपको देखने को मिलेगी इसको बोलते हैं महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय ढाल बोलते हैं। ओके, अब देखिए आप जब जाएंगे ना तो यहां पर आपको कुछ इस तरह से आपको उभार देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं महाद्वीपीय उभार। देखिए हम दूसरे कलर से यहाँ पर बना रहे हैं, तो आपको देखने को मिलेगा ये क्या है, ये महाद्वीपीय उभार है। ये क्या है, महाद्वीपीय उभार आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब देखिए जैसे ही महाद्वीपीय उभार के बाद आप जाएंगे तब आपको सागर नीतल देखने को मिल जाएगा। ये क्या है, सागर नीतल है, सागर नीतल है। सागर नीतल का मतलब क्या है, समुद्र के तल में पहुंच गए भाई। अब आप कहां पहुंच गए, समुद्र के तल में पहुंच गए, लेकिन समुद्रों में भी आपको उसी तरह से मैदान देखने को मिलेंगे, उसी तरह से पर्वत देखने को मिलेंगे जिस तरह से आपको महाद्वीपों के ऊपर देखने को मिलेंगे, यानी कि महाद्वीपों के ऊपर भी स्थलाकृतियां पाई जाती है। समुद्र के नीचे भी सब कुछ प्लेन नहीं है, समुद्र के नीचे भी हमारी जो भूमि है उसमें उच्च विषमता पाई जाती है। आपको समुद्र के अंदर आपको गहरे गहरे ट्रेंच देखने को मिलेंगे। ओके, इसके अलावा आपको कटक देखने को मिलेंगे जिसको राइट के नाम से जानते हैं। ओके, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपको द्वीप भी देखने को मिलेंगे, द्वीपों का निर्माण कैसे होता है, इसकी प्रोसेस क्या होता है वो सब देखेंगे। अब आप जाएंगे महासागरों के नीतल में जाएंगे, यानी कि जिसको ओशन फ्लोर के नाम से जानते हैं, इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर आपको इस तरह से कटक देखने को मिलेंगे। ओके,
कटक देखने को मिलेंगे, फिर आप जाएंगे तो फिर से ये वाली संरचना फिर से इधर स्टार्ट होने लगेगी। ये क्या है, ये आपको देखने को मिलेंगे कटक है, महासागरीय कटक है, महासागरीय कटक है। ओके, देखिए यहाँ पर लक्ष्मी कुमारी है, वो बोल रही है प्रेजेंट, यहाँ पर बबलू भी आ गए हैं। ओके, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो देखिए आप सभी लोग हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छे से नोट करिएगा, अगर कुछ थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। ओके, तो देखिए ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अब लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पर माउंटेन देखने को मिला। आज क्या है, आज आपको ब्रीफ नॉलेज दे रहे हैं, कल से आपका मेन टॉपिक कल से स्टार्ट होगा। ओके, यहाँ से जो पीटी के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से भी पीटी के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए अगर हम पर्वत की बात करें तो पर्वत किसे बोलेंगे, तो पर्वत हम किसे बोलेंगे, तो आप लोग क्या करिए, सिर्फ देखिए और क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा कि जिसका आधार चौड़ा हो और शिखर क्या हो, नुकीला हो। आपको देखिए पर्वत कैसे देखने को मिल रहा है, जिसका आधार है वो क्या है, चौड़ा है, मतलब आधार क्या है, चौड़ा है, और जिसका शिखर नुकीला हो, जिसका शिखर मतलब शीर्ष है वो क्या है, नुकीला है। ये देखिए थोड़ा सा हैंग करने लगा हमारे कंप्यूटर, एक सेकंड रुक जाइए, नेक्स्ट पेज पर लिख देते हैं। ये क्या होता है ना कि एक ही पेज में बहुत कुछ लिख देते हैं ना, तो ये थोड़ा सा हैंग करता है, इस पेज पे लिख देते हैं पर्वत के बारे में। तो आप लोग वहां पर ही लिखिएगा, आप लोग मत चेंज करिएगा, आप लोग चेंज मत करिएगा। ओके, हम चेंज कर दिए क्योंकि हमारा कंप्यूटर क्या है, हैंग कर देता है। तो देखिए ये पर्वत कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जिसका शीर्ष नुकीला हो, जिसका शीर्ष नुकीला हो, ओके, और आधार क्या हो, चौड़ा हो, आधार क्या हो, चौड़ा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, पर्वत बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे, पर्वत बोलेंगे, यानी कि माउंटेन बोलेंगे। ओके, पर्वत बोलेंगे। लेकिन अब आपको, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने क्या किया, ऐसा छोटा सा आपने रेत का टीला बना दिया और उसमें भी क्या है, ऊपर शिखर नुकीला कर दिया, आधार क्या कर दिया, उसका चौड़ा कर दिया, आपने छोटा सा बना दिया इतना, बोले कि ये क्या है, पर्वत है। बोले सर हमारे यहाँ भी पर्वत पाया जाता है, मम्मी आटा गूंद रही थी, मम्मी आटा गूंदते गूंदते क्या कर दी, सबसे पहले वो चेक कर रही थी कि कितनी रोटियां बनेंगी, रोटियां चेक करते करते उन्होंने इस तरह से आटे का एक पिरामिड नुमा संरचना बना दी, हमको तो लगा हमारी परात में क्या आ गया, पर्वत आ गया, लेकिन उससे यहाँ पर्वत नहीं बोलेंगे। देखिए पर्वत होने के लिए कुछ विशेषताओं का होना अनिवार्य होता है, जैसे हम पर्वत उसे बोलेंगे जिसका शिखर है वो नुकीला हो, नंबर एक, आधार चौड़ा हो, और उसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें वो 600 मीटर से ज्यादा ऊंचा हो, यानी कि 600 मीटर से कम संरचना का होगा, तब हम उसे पर्वत नहीं बोलेंगे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक मीटर दो मीटर ऊंचा कोई कलाकृति बना दी और बोले कि ये क्या है, पर्वत है, नहीं भाई, आपको देखने को मिलेगा 600 मीटर से ऊपर, अगर फिट की बात करें तो 1500 फिट से ऊपर की बात आपको देखने को मिलेगी। और देखिए 600 मीटर है एकदम फिक्स नहीं होता है, ओके, ये एकदम फिक्स नहीं होता है, ये आपको थोड़ा बहुत बुक्स में आगे पीछे देखने को मिलेगा, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसा नहीं है वहां पर 601 और 598 दोनों पूछ देगा, नहीं नहीं नहीं, ओके, लगभग में औसतन होता है, क्या होता है, एवरेज होता है, औसतन होता है, मतलब औसत जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक और जिसका आधार चौड़ा और शीर्ष नुकीला होता है उसे हम पर्वत बोलते हैं। पर्वत के बाद जब आप पठार पे आएंगे तो चलिए हम देखते हैं, आपको वहां पर ही लिखना है, जो वो संरचना आप लोग बनाए थे उसी संरचना पे लिखना है, हम वहां पर नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि हमारा कंप्यूटर हैंग करने लगेगा इस वजह से। ओके, तो चलिए दूसरी संरचना हम क्या बताए थे, पठार बताए थे जिसको बोलते हैं प्लेट्यू, क्या बोलते हैं जिसको, प्लेट्यू बोलते हैं। प्लेट्यू कैसा था, तो देखिए प्लेट्यू आपको देखने को मिलेगा जिसका आधार चौड़ा हो, क्या है, जिसका आधार चौड़ा है, तो देखिए इसका भी आधार चौड़ा है और आपको पर्वत का भी आधार चौड़ा देखने को मिलेगा, जिसका आधार क्या है, चौड़ा है। ओके, और आपको देखने को मिलेगा जिसका
शीर्ष है वो सपाट हो, यानी कि नुकीला नहीं है, इसका जो शीर्ष है वो क्या है, सपाट है भाई, शीर्ष है वो क्या है, सपाट है। ओके, तो आपको अगर इस तरह की स्थलाकृति आपको देखने को मिले तो हम उसे क्या बोलेंगे, पठार बोलेंगे। और इसमें भी ऊंचाई है भाई, सेम ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी जो पर्वत के लिए बताए थे। उसके बाद आपको जो तीसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा मैदान, तो मैदान क्या होता है, एक समतल भूमि होती है। ओके, तो आपको अगर आप आएंगे पर्वतीय क्षेत्रों से तो पर्वतीय क्षेत्रों के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, मैदानी क्षेत्र देखने को मिलेगा, लेकिन बीच में आपको घाटियां भी देखने को मिलेगी। तो घाटियां क्या होती है, आपको गहरी और सक्रिय, आपको जो इस गहरी और सक्रिय आपको इस तरह करती देखने को मिलेगी उसी को हम बोल देते हैं घाटी बोल देते हैं। ओके, तो चलिए उसके बाद आपको तीसरे नंबर पर मैदान देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, मैदान देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए मैदान कैसा होता है, आपको समानता इस तरह से देखने को मिलेगा, ये क्या है, लगभग में समतल होता है। ओके, लगभग में समतल होता है, समतल होता है। देखिए अब इसके बारे में तो कोई ज्यादा जानना नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, अभी हम इनका क्लासिफिकेशन भी करेंगे। जैसे माउंटेन की भी अगर हम बात करें तो माउंटेन्स में भी आपको देखने को मिलेंगे फोल्डेड माउंटेन देखने को मिलेंगे, यानी कि जिसको बोलते हैं बलित पर्वत बोलते हैं। इसके अलावा आपको अपशिष्ट पर्वत भी देखने को मिलेंगे, इसके अलावा आपको ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिलेंगे, इसके अलावा आपको ब्लॉक माउंटेन भी देखने को मिलेंगे। ये माउंटेन्स भी बहुत प्रकार के होते हैं, अभी तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज दे रहे हैं, अभी क्या है आपको हल्के हल्के अंदर एंटर करेंगे। ओके, तो देखिए इसके बाद आपको देखने को मिलेगा जो चौथी स्थलाकृति है, तटीय मैदान। तटीय मैदान, तटीय मैदान कहां पर होते हैं, तटीय मैदान वहां होते हैं जहां पर आपको देखने को मिलेगा महासागर और महाद्वीप जहां पर मिलते हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेगा तटीय मैदान। तो जो समुद्री तरंगे होती हैं और जो समुद्री लहरें होती हैं, तो समुद्री तरंगों और समुद्री लहरों के द्वारा जो उनके साथ में जो भी अवसाद होता है उसके निक्षेपण के माध्यम से तटीय मैदानों का निर्माण होता है। वही आपको देखने को मिलेगा जो ये वाला प्लेन है, जो ये वाला मैदान है। ओके, इस वाले मैदान का जो निर्माण होता है, ये आपको देखने को मिलेगा वायु के द्वारा होता है, इसके अलावा आपको नदियों के द्वारा भी आपको देखने को मिलेगा, ओके, तो देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पर जिसके द्वारा इस मैदान का निर्माण होता है, ये वायु के द्वारा और नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों के लाकर के डिपोजिट कर देते हैं, तब उससे इसका निर्माण होता है। लेकिन वहीं आप इसकी अगर बात करें, तटीय मैदान की बात करें, तो तटीय मैदानों का निर्माण किसके द्वारा होता है, समुद्री लहरों के द्वारा होता है, समुद्री तरंगों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये कहां पर होता है, तो जैसे कि अगर माने ये क्या है हमारा इस तरह से स्थल है। ओके, अब इस तरह से आपको इधर महासागर इस तरह से देखने को मिलेगा, तो ये क्या है, मानते हैं पानी है। तो यहाँ पर जो ये थोड़ा सक्रिय में होता है, ज्यादा चौड़ा आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, तटीय मैदान। जैसे अगर हम बात करें भारत की, तो देखिए भारत इस तरह से पाया जाता है, तो भारत का जो पूर्वी आपको तट देखने को मिलेगा, भारत का ये वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा पूर्वी तट की अगर हम बात करें, देखिए दूसरे कलर से दिखा देते हैं, ये जो पूर्वी तट आपको देखने को मिलेगा यहां पर जो तटीय मैदान पाया जाता है, यहां पर तटीय मैदान पाया जाता है। ओके, और इस तरफ आपको समानतः तटीय मैदान बहुत ही सक्रिय देखने को मिलेंगे और कहीं कहीं पर आपको नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस तरफ की जो स्थलाकृति है, जो पश्चिमी साइड में पश्चिमी घाट की ओर है, वहां पर खड़ी स्थलाकृति पाई जाती है, लेकिन इस तरफ आपको बड़े बड़े तटीय मैदान भी आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, तटीय मैदान, इसका निर्माण कैसे होता है। अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट चीज प्रारंभ होती है, इतना तो सभी लोग जानते थे, लेकिन अब क्या है, अब मेन चीज स्टार्ट हुई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पांचवें पॉइंट पर, जैसे आप तटीय मैदान पर, हो सकता है क्रम भी पूछ लेता है कभी कभार। ओके, कभी कभार क्या पूछ लेगा आपसे, क्रम भी पूछ लेगा। तो पांचवें नंबर पर आपको देखने को मिलेगा महाद्वीपीय, महाद्वीपीय मग्न तट। ओके, महाद्वीपीय मग्न तट आपको देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप के नाम से भी जानते हैं। ओके, कॉन्टिनेंटल
सेल्फ के नाम से जानते हैं। ओके, देखिए आप लोगों ने देखा होगा स्लेफ जिसको बोलते हैं, जिसको ताड़ भी आप लोग बोलते होंगे, जिस पर हम लोग सामान रखते हैं, अपने घर में सामान रखते हैं, तो वो भी क्या होती है, एक सेल्फ के समान होती है। उस पर हम सामान भर देते हैं, कहते हैं भाई इधर एक दो सेल्फ डलवा दो, इसमें हम सामान डाल देंगे। ओके, तो इसी तरह से आपको ए बी सेम इस करती देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आपको महाद्वीपीय मग्न तट जो आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें क्या है, नंबर एक जो चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे कि हल्के हल्के यहां से गहराई बढ़ने लगती है। यानी कि ये क्या है, मग्न तट है, जल से भरा रहता है ये। ओके, जल में ये डूबा रहता है, और जैसे ही जल का थोड़ा सा स्तर बढ़ता है ये पूरा डूब जाता है, और जब समुद्र का जल स्तर है वो पीछे जाता है तो ये दिखने लगता है, आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह की इतना करती आपको कुछ देखने को मिलेगी। तो यहां पर आप जाएंगे तो हल्के हल्के गहराई बढ़ती है, गहराई है वो ज्यादा तेजी से, मतलब गहराई है वो आपको कम देखने को मिलेगी। यहाँ पर गहराई है वो कम देखने को मिलेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा क्लिफ टाइप का होता है। ओके, और दूसरा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ढाल होता है वो थोड़ा सा मंद होता है, लेकिन गहराई है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। अभी आपको दिखाते भी हैं किस तरह का ये दिखता है। ओके, तो दो चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इस तरह से क्या है, मानते हैं एक पर्वत है, पर्वत के बाद में हम क्या बनाए थे, इस तरह से पठार बनाए थे, और पठार के बाद इस तरह से हम क्या बनाए थे, मैदान बनाए थे, और मैदान के बाद देखिए, अब मैदान के बाद क्या आया था, तटीय मैदान आया था। ओके, क्या आया था, तटीय मैदान। अब तटीय मैदान के बाद देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से जो इस प्रकृति है, यहां से यहां तक की इस प्रकृति है, यही क्या है, यही आपको देखने को मिलेगा, महाद्वीपीय मग्न तट आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद जैसे ही आप जाएंगे, जिसको बोलते हैं महाद्वीपीय ढाल बोलते हैं, ये महाद्वीपीय ढाल एकदम खड़ा होता है। क्या होता है, खड़ा होता है। फिर इसके बाद महाद्वीपीय उभार आएगा, फिर आपको देखने को मिलेगा सागर नीतल आ जाएगा, फिर इस तरह से कटक आ जाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या चीज ध्यान रखनी है कि गहराई कम होती है और ढाल मंद होता है, और ये जल से इस तरह से भरा रहता है, ये वाला क्षेत्र क्या रहता है, इस तरह से जल से ये वाला क्षेत्र भरा रहता है। तो कभी भी आप लोग जब भी नहाने जाएं समुद्र में, क्योंकि बीच हर किसी को पसंद आता है, आप लोग घूमने गए, ज्योग्राफी देखिए आपकी लाइफ को भी बचाती है, आप घूमने गए अपनी बीवी बीवी के साथ में, या फिर किसी के साथ में घूमने गए, अब आप लोग नहा रहे हैं, अब नहा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम महाद्वीपीय मग्न तट पर हैं तो हम जल्दी नहीं डूबेंगे। अगर जो मग्न तट है उससे थोड़ा सा आगे पहुंच गए ना, तो यहाँ पर तो देखिए गहराई कम होगी, यहाँ पर आप जल्दी नहीं डूबेंगे, हल्के हल्के गहराई बढ़ेगी, तो आपको पता चलेगा अच्छा हल्के हल्के पानी बढ़ रहे हैं। लेकिन आप जैसे ही महाद्वीपीय ढाल पर जाएंगे, ये क्या है, महाद्वीपीय ढाल है, महाद्वीपीय ढाल है। अब देखिए जैसे ही आप महाद्वीपीय ढाल पर जाएंगे, एकदम अचानक से गहराई बढ़ेगी और आप धूम से नीचे चले जाएंगे, और आपके लिए फिर खोजने के लिए गोताखोरों की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप जाएं कि आप किस स्थान पर हैं, महासागरीय मग्न तट पर हैं या फिर महासागरीय ढाल पर हैं, क्योंकि जैसे ही आप महासागरीय ढाल पर पहुंचेंगे तो वहां पर गहराई अचानक से बढ़ेगी, आप हो सकता है इंस्टेंट नीचे चले जाएं, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम लोग आते हैं, आप लोग एक्चुअली क्या हो गया, यहाँ पर मैसेज हमने बंद कर दिए थे। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महाद्वीपीय ढाल के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपको छठे नंबर पे क्या देखने को मिलेगा, महाद्वीपीय ढाल की बात करते हैं। ओके, जिसको कॉन्टिनेंटल स्लोप के नाम से जानते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप के नाम से जानते हैं। ओके, अब देखिए एक किस तरह का होता है, अभी आपको जस्ट दिखाई है, लेकिन इसमें क्या चीज आपको इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखना है कि इसका जो ढाल होता है वो तीव्र होता है। क्या होता है, ढाल होता है वो इसका तीव्र होता है, आपने देखा एकदम खड़ा ढाल है भाई। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ की जो गहराई होती है वो गहराई आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, गहराई आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, मतलब हो सकता है अचानक से नीचे चले जाए आपको देखने को मिलेगा, तो इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम देखिए महाद्वीपीय ढाल के बाद आगे बढ़ेंगे तो महाद्वीपीय उभार देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, महाद्वीपीय उभार देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं महाद्वीपीय उभार के बारे में। ओके,
तो ये सातवें नंबर पर आपको देखने को मिलेगा महाद्वीपीय, महाद्वीपीय उभार की अगर हम बात करें। ओके, तो देखिए जो महाद्वीपीय उभार है जिसको कॉन्टिनेंटल राइस के नाम से भी जानते हैं, कॉन्टिनेंटल राइस के नाम से जानते हैं। ओके, राइस का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा उभार, उभरा हुआ, उठा हुआ राइस का मतलब होता है। ओके, तो देखिए अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो देखिए ये ऐसी आपको स्थलाकृति देखने को मिलेगी, ऐसी चीज देखने को मिलेगी जो महाद्वीप और महासागर इन दोनों को पृथक करती है। तो ये पृथक करने वाली संरचना है, क्या है ये महाद्वीप और महासागर जो स्थल होते हैं उनको पृथक करने वाली संरचना। अगर आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन सी स्थलाकृति महाद्वीप और महासागर को पृथक करती है, तो आपको ध्यान रखना है महाद्वीपीय उभार, क्योंकि महाद्वीपीय उभार के बाद अब महाद्वीपीय नहीं आएगा, अब महासागरीय नीतल प्रारंभ हो जाता है, महासागरीय नीतल प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए ये आपको देखने को मिलेगा जो महाद्वीपीय, महाद्वीपीय व महासागरीय, महासागरीय भूभाग को जोड़ता है, भूभाग को जोड़ता है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, और आपको देखने को मिलेगा यहां पर जो ढाल होगा, जो ढाल होगा वो तीव्र होगा। ओके, तीव्रता के साथ मतलब ढाल में कमी आती है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा ढाल में तीव्रता से, तीव्रता से कमी आती है। ओके, इसका जो ढाल होगा वो आपको थोड़ा सा मंद देखने को मिलेगा। ओके, और आपको देखने को मिलेगा देखिए किससे कम होता है, तो आपको देखने को मिलेगा इसका जो ढाल होता है वो कम होता है महाद्वीपीय ढाल से, आपको तो कमी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको जो ऊपर इससे बढ़ाए थे उससे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आपको एक बार दिखा देते हैं किस तरह की स्थलाकृति आपको कहां पर देखने को मिलेगी। बैक चलते हैं तो देखिए ध्यान से देखिएगा इसमें आप लोग। ओके, तो देखिए इस तरह की स्थलाकृति आपको देखने को मिल रही है, देखिए इतना ये वाला पार्ट जो आपको देखने को मिल रहा है जो हम येलो कलर से बनाए हैं, इसी को बोलते हैं महाद्वीपीय उभार के नाम से जानते हैं। ओके, इसके बाद अब क्या आ जाएगा, ये सागर नीतल आ जाएगा। ओके, अब आपको देखने को मिलेगा यहाँ से महासागरीय भूमि स्टार्ट हो जाती है, स्थलाखंड स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं आठवें नंबर पर किस प्रकार की आपको स्थलाकृति देखने को मिलेगी, आठवें नंबर पर आपको किस प्रकार की स्थलाकृति देखने को मिलेगी। तो देखिए आठवें नंबर पर आपको देखने को मिलेगा महासागरीय नीतल, महासागरीय नीतल। ओके, जिसके लिए ओशन फ्लोर के नाम से भी कई बार इसको जानते हैं, ओशन फ्लोर के नाम से भी जानते हैं इसको। ओके, तो देखिए ये क्या है, ये आपको समतल जगह देखने को मिलेगा, लगभग लगभग समतल आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, महासागरीय कटक, महासागरीय कटक। ओके, जिसको ओशन राइट के नाम से जानते हैं, ओशन राइट के नाम से जानते हैं। ओके, ये क्या होते हैं आपको देखने को मिलेगा यहां पर, इनकी जो चौड़ाई होती है वो कम देखने को मिलेगी। इनकी अगर हम विशेषताओं की बात करें, इनकी जो चौड़ाई होती है वो आपको कम देखने को मिलेगी, लेकिन अगर हम बात करें इनकी लंबाई की बात करें, लंबाई की बात करें तो इनकी लंबाई बहुत अधिक देखने को मिलेगी, कई हजारों किलोमीटर में फैले हो सकते हैं आपको देखने को, इनकी लंबाई अधिक होती है, अधिक होती है। ओके, और आपको देखने को मिलेंगे ये सकरे होते हैं, कैसे होते हैं, सकरे भाग होते हैं। तो देखिए किस तरह से चीजें आपको देखने को मिलेंगी बता देते हैं, चलिए एक बार आपको दिखाते हैं। इस तरह से जैसे आप सागर नीतल में जाएंगे, मानते हैं ये क्या है, सागर है। ओके, ये क्या है, इस तरह से सागर है। अब सागर के अंदर जाएंगे तो आपको इस तरह से कुछ स्थलाकृति आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो देखिए ये ऊंची ऊंची वाली जगह है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, कटक का नाम दे देते हैं। ओके, इसको हम किसका नाम दे देते हैं, कटक का नाम दे देते हैं।
ये क्या है, कटक है। ओके, अब इसके बीच में आपको ये क्या दिख रही है, आपको ये भ्रंश घाटी देखने को मिलेगी। ओके, ये क्या है, भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो देखिए इनका निर्माण कैसे होता है। जब आपको देखने को मिलेगा दो सतह, ओके, दो प्लेटें होती हैं जब वो एक दूसरे से दूर जाती हैं। जैसे मानते हैं एक ए प्लेट है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, एक ए प्लेट है, ओके, ये क्या कर रही है, इस तरह से दूर जा रही है, और एक दूसरी प्लेट है इस तरह से, ये भी क्या कर रही है, इस तरह से दूर जा रही है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो नीचे आप लोग जानते हैं कि क्या पाया जाता है, इस तरह से मैगमा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जो पिघली हुई चट्टानें हैं द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। नीचे क्या पाई जाती हैं, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में चट्टानें पाई जाती हैं, चट्टानें पाई जाती हैं। यही चट्टानें क्या होती हैं, हल्के हल्के जब ये दो चट्टानें हैं ये एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इन्हीं के बीच में से ये पिघली हुई चट्टानें निकलने लगती हैं। जब ये निकलती हैं तो ऊंची ऊंची संरचना थोड़ी सी बनाती हैं, तो इसी के कारण कटकों का निर्माण होता है। और आपको देखने को मिलेगा कि ये जो चट्टानें होती हैं ये बहुत ज्यादा पतली होती हैं, इस कारण ये बहुत ऊंची शिलाकृति नहीं बना पाती है। ये बहुत ऊंची नहीं देखने को मिलेगी, ये नीची संरचना ही देखने को मिलेगी, लेकिन ये बहुत लंबी होती है। मतलब इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो बहुत होती है, और साथ में सकरी देखने को मिलेगी, मतलब पतली सी पट्टी के रूप में होती है, लेकिन बहुत दूर तक आपको देखने को मिलेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, कटक बोलते हैं। तो महासागरों के लगभग में बीच में आपको कटक देखने को मिलेंगे। ओके, अब देखिए ये भ्रंश घाटी क्या होती है और इसकी विशेषताएं क्या होती है। तो देखिए जो भ्रंश घाटी है जिसको रिफ्ट वैली के नाम से भी जानते हैं, ओके, रिफ्ट वैली के नाम से भी जानते हैं, आपको देखने को मिलेगा इसकी लंबाई होती है वो अधिक होती है, नंबर एक अधिक होती है अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें। और दूसरा आपको देखने को मिलेगी ये भी क्या होती है, इस सकरी होती है, मतलब ये सकरा भाग होता है, सकरा भाग होता है, और साथ में ये बहुत ही गहरा भी देखने को मिलेगा, मतलब इसकी जो गहराई होती है वो ज्यादा देखने को मिलेगी, मतलब गहरा भाग आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए इस तरह की शिलाकृतियां हैं जो हमारी पृथ्वी के ऊपर पाई जाती हैं, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए अगर हम रियल में आपको दिखाएं कुछ इस तरह का आपको मैप देखने को मिलेगा। अब देखिए सबसे ऊंची शिलाकृति है क्या है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा पर्वत देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप पर्वत से नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर घाटियां भी देखने को मिलेंगी। फिर आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये क्या हो गया, ये आपको मैदान देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ से क्या आ रही है, इस तरह से रिवर आ रही है पहाड़ों से निकल के। अब ये पहाड़ों से जब आ रही है तो अपने साथ में अवसाद भी लेकर के आएगी, और जब अवसाद है वो जब इसके पास में होंगे, लेकिन हल्के हल्के जब नदियों की गति में कमी आती है, जब नदियों की गति में कमी आती है तो अपने साथ ये भारों को, अपना जो भार होता है उसे ले जाने में सक्षम नहीं होती, तो रास्ते में उतारती चली जाती हैं, तो जिस कारण यहाँ पर ये मैदान का निर्माण हो जाता है। अब देखिए अब जैसे जैसे ये नदियां हैं आगे बढ़ती हैं तब आपको देखने को मिलेगा कि यही डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। तो देखिए ये वाला जो रीजन आपको देखने को मिलेगा ये क्या है, डेल्टाई रीजन आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो सुंदरबन का डेल्टा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाए गए, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो नदियां हैं, मतलब बहुत सारी, जब ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर है वो कई भागों में डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड होने के बाद वो छोटी छोटी नलिकाओं में परिवर्तित हो जाती है, और उनके द्वारा लाए गए अवसादों का वहां पर निक्षेपण कर दिया जाता है, तो वहां पर डेल्टा स्वरूप का निर्माण होता है, डेल्टा स्थलाकृति का निर्माण होता है। ये आपको लगभग में समतल ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी नलिकाएं बनी होती हैं जिनके माध्यम से पतला पतला पानी वहां से निकलता रहता है। ओके, तो देखिए वो चीज आपको देखने को मिलेगी। और इधर क्या है, देखिए यहाँ पर आपको कोस्टल प्लेन देखने को मिलेगा जिसको तटीय मैदान हम लोगों ने बोला था। और देखिए तटीय मैदान के जहां पर देखिए पानी जहां तक आता है, समुद्र का पानी जहां तक आता है उसी को सोर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोर लाइन बोलते हैं। ओके, और देखिए इस सोर लाइन के बारे में बहुत आपको डीप में भी पढ़ाएंगे कि यहाँ से जो तरंगे होती हैं, समुद्री तरंगे होती हैं, वो दो भागों में डिवाइड हो जाती हैं। अभी बहुत कुछ आप लोगों के लिए जानना है। तो देखिए जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखिए
कॉन्टिनेंटल आपको स्लिप्स देखने को मिलेगी। देखिए यहां पर देखिए, अब देखिए इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं जिससे आपको क्लियर दिखे। देखिए कॉन्टिनेंटल अगर हम स्लिप्स की बात करें तो देखिए यहां पर क्या है, ढाल बहुत मंद है ना। अगर आप यहां पर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, नहा रहे हैं तो आपको ज्यादा समस्या नहीं, क्योंकि आप हल्के हल्के आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा अच्छा अब मैं डूबने वाला हूं तो मैं पीछे आ जाऊं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ओके, तो आप लोग आराम से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नहा सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कहीं भाई वहां पर कोई घाटी तो नहीं है, कैनियन तो नहीं बना हुआ है, वरना एक घाटी में चले गए तो आप ऊपर भी क्या होंगे, अंदर समा जाएंगे तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। ओके, लेकिन क्या होता है कभी कभार जो कॉन्टिनेंटल स्लिफ है यहाँ से जल पीछे भी चला जाता है, जल क्या होता है आता जाता रहता है। क्यों आता जाता रहता है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा ज्वार और भाटा के कारण, आपको कल ही टॉपिक में पढ़ाए थे ज्वार भाटा के कारण, तो ज्वार भाटा के कारण जब जल स्तर में वृद्धि होती है, यानी कि जब ज्वार का समय आता है, ज्वार के समय का मतलब क्या है, जल स्तर में वृद्धि, जल स्तर में वृद्धि का मतलब है जल किस ओर आएगा, तट की ओर आएगा, जल किस ओर आएगा, तट की ओर आना प्रारंभ करता है, तो ये क्या कर जाता है पूरा क्षेत्र मग्न हो जाता है, जल मग्न हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न तट भी बोल देते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाता है जल मग्न हो जाता है। और इसकी विशेषता क्या है, इसमें ढाल होता है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा, मंद देखने को मिलेगा, और आपको देखने को मिलेगा इसके बाद जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है यहाँ पर देखिए ढाल क्या है एकदम तीव्र है। देखिए ढाल क्या है एकदम तीव्र है, यहाँ पर आप क्या होंगे ध्रुव से नीचे भी चले जाएंगे। क्यों, जब ज्वार आया तब तो क्या हो जाएगा ये पूरा डूब जाएगा, लेकिन आप जब गए जब भाटे का समय था, क्या समय था इस स्थान पर अगर भाटे का समय था। ओके, अब देखिए इस समय अगर भाटा होगा तो पानी कहां चला गया होगा, जल स्तर क्या हो गया होगा पीछे हट गया होगा। अब मानते हैं जल स्तर यहां पर आ गया, इस लाइन पर आ गया, अब आप तो सोच रहे थे यार मैं तो यहाँ पर ही हूँ, 100 मीटर आगे जाऊंगा कितनी गहराई बढ़ेगी, लेकिन 100 मीटर आपको नहीं पता, 50 मीटर 100 मीटर जैसे ही आप जाएंगे ज्यादा गहराई नहीं बढ़ेगी, लेकिन अचानक से जैसे ही यहाँ पर कॉन्टिनेंटल स्लोप पर आप पहुंचेंगे धुड़ुंग से नीचे पहुंचेंगे, समझ जाएंगे। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, विशेषताएं ध्यान रखना है कि इसका क्या होगा, ढाल क्या होगा भाई तीव्र होगा आपको देखने को मिलेगा। ओके, ढाल क्या होगा तीव्र होगा, गहराई क्या होगी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको देखिए ये वाला क्या है, एक कॉन्टिनेंटल राइस वाला पार्ट देखने को मिलेगा जिसको महाद्वीपीय उभार का नाम हम लोग दिए थे। यहाँ पर ढाल में कमी आती है, ढाल में कमी आती है। इसकी अगर हम ढाल की बात करें तो देखिए इसका जो ढाल है वो कॉन्टिनेंटल स्लोप है इससे तो कम होता है, लेकिन कॉन्टिनेंटल जो सिल्फ की अगर हम बात करें ओके इससे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, इससे इसका ढाल होता है वो ज्यादा होता है और इससे कम होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग घूम जाता है और क्वेश्चन नहीं लगा पाते, लेकिन अगर आप लोग इसको ऐसे देखते हुए चलेंगे तो कभी भी आप लोग क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। फिर आप देखेंगे फिर ये क्या आ गया, अभी हम बताए थे आपको ओशन फ्लोर आ गया मतलब उसका मैदानी क्षेत्र आ गया, और आगे जाएंगे तो इस तरह से कटक देखने को मिलेंगे, भ्रंश घाटियां देखने को मिलेंगी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ओके दोस्तों, चलिए ये सारी चीजें आपने देख ली, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बताइएगा यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मैसेज करिएगा, वरना हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग मेन टॉपिक के अंदर एंटर करने जा रहे हैं, अब हम लोग मेन टॉपिक के अंदर एंटर करने जा रहे हैं जो जियोमॉर्फोलॉजी का आपको मेन टॉपिक देखने को मिलेगा। ओके, देखिए यहाँ पर विवेक यादव है, उन्होंने मैसेज किया है नो। ओके चलिए, आप लोगों को इतनी सारी चीजें हैं वो समझ में आपको क्या हो गया, एक बेस बन गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसके डीप में जाने का प्रयास करते हैं। ओके, तो आपको एक चीज समझ में आई, क्या चीज समझ में आई आपको देखने को मिलेगा, जो स्थलखंड है हमारा, जो स्थलखंड है या फिर स्थल स्वरूप है ये किस प्रकार का है आपसे पूछा जाए तो आपको देखने को मिलेगा समांगी नहीं है, कैसा है असमांगी देखने को मिलेगा, किस प्रकार का देखने को मिलेगा असमांगी देखने को मिलेगा। असमांगी का मतलब क्या है भाई, इसमें विषमता ज्यादा पाई जाती है, एक जैसा समतल नहीं है। ओके, लेकिन ये असमांगी है ये क्यों है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा जो हमारी सतह है ये अस्थाई है, क्या है अस्थाई है, जैसे कि अभी हम आपको बताए थे हमारी जो सतह है वो क्या है अस्थाई है, जैसा कि अभी हम जैसे आपको बताए थे कि हमारा जो भारत था
वो कभी विषुवत रेखा के दक्षिण में था, आज ये विषुवत रेखा के उत्तर में पहुंच गया है। सोचो अगर ये चीन के पास नहीं होता तो कितना अच्छा होता है। चीन बड़ा नालायक है, बहुत परेशान करता है। ओके, तो हम लोग अगर हमारा भारत थोड़ा इधर उधर चला गया होता तो क्या होता, चीन जैसा हमारे पास निकम्मा इंसान नहीं होता, हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारी सतह क्या है, अस्थाई है और क्या है, परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील आपको देखने को मिलेगी। ओके, लेकिन ये अस्थाई और परिवर्तनशील क्यों है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं इसके ऊपर कोई बल लगता होगा ना, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर भू संचलन की प्रक्रिया होती रहती है। हमारी पृथ्वी पर जो प्लेटें पाई जाती हैं उन पर क्या होता रहता है, भू संचलन होता रहता है। भू संचलन का मतलब क्या है, चलती रहती है, लेकिन क्या चीज चलती है, हमारी भूमि चलती है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं भू संचलन। क्या बोल देते हैं, इस बल के कारण क्या होता है, भू संचलन होता है, भू संचलन। तो भू संचलन की प्रक्रिया के कारण ही हमारी जो पृथ्वी की सतह है वो अस्थाई है, परिवर्तनशील है, और हमारी पृथ्वी की जो सतह है वो अस्थाई परिवर्तनशील होने के कारण ही हमारी जो इसला करती है वो किस प्रकार की पाई जाती है, असमंगी प्रकार की पाई जाती है। लेकिन ये बल है भाई, ये बल कहां से आ गया, अब कौन है यहाँ पर, कोई हाथी बैठा हुआ है या फिर कौन है भाई, ये बल कौन लगा रहा है, फोर्स कौन लगा रहा है, और ये फोर्स कहां से लग रहा है, यही अध्ययन का क्या है, यही बल है। इसी अध्ययन का जो हमारा केंद्र है वो क्या है, भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान, विज्ञान क्या बताएगा कि ये बल कहां से लग रहा है, तो हमारा विज्ञान बताता है ये जो बल लग रहा है भाई, ये दो जगह से लग रहा है। ओके, तो ये बल है। ओके, ये एक तो चीज हम क्या देखेंगे, बल है वो कहां पर लग रहा है, हम लोग देखेंगे कहां पर लग रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा कहां लग रहा है भाई, सतह पर लग रहा है। जो सतह है, जो सतह है उस पर ये बल लग रहा है, लेकिन ये बल आपको देखने को मिलेगा आखिर कहां से आया है, कहां से आया है, इस आधार पर हम क्या करेंगे, इस बल को दो भागों में विभाजित कर देंगे। विज्ञान हमको बताया जो ये बल लग रहा है, एक तो ये पृथ्वी के अंदर से लग रहा है और एक बल है जो पृथ्वी के बाहर से लग रहा है, यानी कि एक बल है जो अंदर से लग रहा है और एक बल क्या है, बाहर से लग रहा है। तो हम इसे इसी आधार पर डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, हम नेक्स्ट पेज पे लिखने जा रहे हैं, आप लोग चेंज मत करिएगा। ओके, तो हम लोग अभी क्या देख रहे थे, एक कहां से बल लग रहा है, कहां से बल लग रहा है, तो अभी हम आपको बताए एक बल है, हमारा साइंस बताता है कि अंदर से लग रहा है, और एक बल कहां से लग रहा है, बाहर से लग रहा है, और जो अंदर से लगता है इसी को बोलते हैं अंतर्जात बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतर्जात बल, अंतर्जात बल बोलते हैं। ओके, और जो बाहर से लगेगा हम उसे क्या बोलेंगे, बहिर्जात बल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, बहिर्जात बल बोल देंगे, बहिर्जात बल बोल देंगे। इंग्लिश में इसको अंतर्जनित जो बल होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडोजेनिक, इंडोजेनिक फोर्स। ओके, और इसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स बोल देते हैं। ओके, अब देखिए ये चीज तो हमें समझ में आई, लेकिन जो अंदर से लग रहा है ये हमको कैसे पता चलेगा कि भाई अंदर से कौन सा ऐसा बल आता है, कौन सा ऐसा बल है जो अंदर से आकर के हमारी पृथ्वी की प्रकृतियों में परिवर्तन कर देता है। तो देखिए जो अंदर से जो बल लगता है इसके लिए बहुत सारी थ्योरी दी गई, इसके लिए क्या दी गई, बहुत सारी थ्योरी दी गई, मतलब आपको देखने को मिलेगा साइंटिफिक रूप से इसको प्रूफ करने का प्रयास किया गया। तो इसी में, इसी क्रम में बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में बताए कि हमारी जो पृथ्वी है वो उसके चलने का कारण क्या है, चंद्रमा है भाई, चंद्रमा का आकर्षण बल है, ज्वार भट्टी श्री उत्पन्न नहीं होता उससे क्या होता है, हमारी पृथ्वी की सतह है वो भी खिसक जाती है। बाद में आलोचक आए बोले कि ऐसा कौन सा चंद्रमा के पास इतना पावर आ गया जिसके कारण हमारी पृथ्वी की सतह को वो मूव कर दे रहा है,
अगर उसके पास इतनी ज्यादा पावर होती तो हमारी जो पृथ्वी है वो खंडित खंडित हो गई होती, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए होते, तो वो इस प्रकार से संगठित तो रह ही नहीं सकती थी। यानी कि चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण हमारी पृथ्वी पर जो प्लेटें पाई जाती हैं उनका संचलन नहीं होता है। तो आपको देखने को मिलेगा इसमें, फिर बाद में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, भूगोल शास्त्री थे, उन्होंने अपना अपना यहाँ पर विचार प्रस्तुत किया। फिर इसी क्रम में एक बहुत ही जो प्रासंगिक थ्योरी है जिसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से जानते हैं, ओके, तो ये बहुत ज्यादा प्रासंगिक हुई। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है बहुत ज्यादा प्रासंगिक हुई। इसी ने बताया कि जो अंतर्जात बल है एक कैसे लगता है और हमारी पृथ्वी है वो कैसे मूव करती है, ओके। तो इसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पर पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो संवहनीय संवहनीय तरंगों का हमारी पृथ्वी की सतह के अंदर निर्माण होता है, ओके। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जो कटक दबाव होता है, कटक दबाव होता है, ओके, कटक दबाव आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जो महाद्वीप है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, ऐसे पुश करते हैं। तो तीसरी यहाँ पर जगह नहीं है, वो आप लोग अभी हम पढ़ाएंगे भी इसके बारे में। तो ये तीनों बल हैं ये आपस में क्या मिलते हैं, मिलते हैं और इनके सम्मिलित प्रभाव से अंदर से फोर्स लगता है जिसके कारण प्लेटें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह खिसक सकती हैं। और अंतरजात बलों के कारण ही आपको देखने को मिलेगा हमारी पृथ्वी पर स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसके कारण क्या होता है, जो अंतरजात बल है अंतरजात बलों के कारण ही स्थल स्वरूपों का निर्माण होता है, स्थल स्वरूपों का निर्माण होता है, ओके। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा पर्वत पठार, लिख लीजिए, इसी बल के कारण किसका निर्माण होता है, जैसे कि पर्वत, ओके। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा यहां पर इसी के कारण ज्वालामुखी प्रक्रियाएं होती हैं, ज्वालामुखी प्रक्रियाएं होती हैं, ओके। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जो कटकों का निर्माण, ओके। इस प्रकार की जो भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी वो किसके कारण होती है, अंतर्जात बल के कारण। और ये क्या करती हैं, अंतर्जात बल होता है ये विषमता को बढ़ाता है, मतलब उच्चावच को बढ़ाने का कार्य करता है, उच्चावच को क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। वहीं बहिर्जात बल भी लगता है भाई। बहिर्जात बल कहाँ से लगता है, तो बहिर्जात बल आपको देखने को मिलेगा जो बाहरी कारक होते हैं वो कारक बल लगाते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा नदी के द्वारा लगाया जाता है, तो नदी जब बहती है तो नदी के बहने से कटान होता है, ये विषमता को बढ़ाता है। ये क्या करता है, जो अंदर वाला बल है ये विषमता को बढ़ाता है, ये विषमता को बढ़ाता है, मतलब उच्चावच विविधता को बढ़ाता है, मतलब ऊंची नीची लगाते निर्मल होता है। लेकिन वही बाहर वाला जो बल है मतलब बहिर्जात बल है ये इसको कम करने का प्रयास करता है, स्थलाकृति का जो है विषमता है इसको कम करने का प्रयास करता है, मतलब इसकी कटाई छटाई का काम करता है भाई। जैसे नदी है, इसने क्या किया, पर्वत का निर्माण कर दिया। अब नदी आई तो नदी क्या करेगी, उसका कटान करेगी भाई, हल्के हल्के क्या कर रही है, उसका अपरदन कर रही है, और अपरदन करके क्या करेगी, उसको समतल करने का हल्के हल्के प्रयास करेगी। तो आपको देखने को मिलेगा जैसे कि नदी हो गई, जैसे कि पवन हो गई। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा बहुत सारे कारक जैसे कि तापमान, तापमान हो गया, इसके अलावा आपको जैसे कोहरा हो गया, इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ये सारी चीजें जैसे कि हिम हो गया, समुद्री तरंगे हो गई, समुद्री तरंगे हो गई, इस तरह की सभी चीजें हैं ये बाहरी फोर्स लगाती हैं और क्या करती हैं, हल्के हल्के इनका कटान करती हैं और इनको समतल करने का प्रयास करती हैं और ये विषमता को कम करने का प्रयास करती हैं। तो देखिए इसके कारण इस तरह से सारी चीजें होती हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारी जो पृथ्वी है आखिर किस प्रकार की पाई जाती है। नीचे की संरचना तो जान ले तभी तो हमें पता चलेगा नीचे से किस तरह से फोर्स लगता है। जब हम पृथ्वी की ऊपर की सतहों का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें पृथ्वी के अंदर की सतह के बारे में थोड़ी सी तो नॉलेज होनी चाहिए ना। तो हम उस नॉलेज के बारे में एक बार देख लेते हैं।
सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए हमारी, अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो देखिए हमारी ये पृथ्वी है, इस तरह से क्या पाई जाती है, हमारी पृथ्वी पाई जाती है। और हमारी पृथ्वी पर एनर्जी का सोर्स क्या है भाई, एनर्जी का सोर्स क्या है, तो आप लोग जानते हैं सन है हमारी एनर्जी का सोर्स, आपको देखने को मिलेगा। तो यहां से क्या आती है एनर्जी, आती किस रूप में आती है, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आती है। ये क्या है हमारी पृथ्वी है, हमारी क्या है पृथ्वी है, ओके। और इसी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के स्थल मंडल भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के स्थल मंडल पाए जाते हैं। कौन कौन से स्थल मंडल आपको देखने को मिलेंगे, आपको सॉरी स्थल मंडल नहीं सिर्फ मंडल, ओके। स्थल मंडल तो क्या हो गया, एक मंडल हो गया, ओके। तो देखिए एक पाया जाता है स्थल मंडल, ओके। देखिए यहां पर बना देते हैं, सिर्फ लिख नीचे देते हैं, ओके। तो देखिए ये वाला क्या है, ये है स्थल मंडल, स्थल मंडल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ओके। इसी तरह से एक मंडल पाया जाता है, कलर चेंज कर देते हैं, इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा एक वायुमंडल, वायुमंडल आपको देखने को मिलेगा, ओके। और इसी तरह से एक तीसरे कलर से भी यहां पर बना देते हैं जिससे आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, जिसको बोलते हैं जलमंडल, ओके। ये क्या है जलमंडल, ओके, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइड्रोस्फीयर, ओके। और इसको बोलते हैं एटमॉस्फियर, ओके। तो देखिए ये आपको तीन मंडल देखने को मिलेंगे। और जहां पर ये तीनों मंडलों का जहां पर मिलान होता है, जहां पर ये तीनों मंडल मिलते हैं, वहां पर निर्माण होता है जैव मंडल का, यानी कि बायोस्फीयर का निर्माण होता है। अब देखिए ये तीनों कहां पर मिल रहे हैं, इस स्थान पर मिल रहे हैं, देखिए दूसरे कलर से आपको दिखाते हैं, इस स्थान पर ये तीनों मिल रहे हैं, तो यहां पर किसका निर्माण होगा, बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल का निर्माण होगा, जैव मंडल का निर्माण होगा यानी कि बायोस्फीयर, ओके। यहां पर बायोस्फीयर का निर्माण होगा, ओके। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए जो जैव मंडल है वो कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, आप सोचेंगे जैव मंडल है वो तो हम सतह पर रहते हैं तो सतह तक ही इस होगा, मतलब 10-15 मीटर तक होगा, लेकिन नहीं, जैव मंडल जो माना जाता है वो पृथ्वी की सतह से यानी कि सी लेवल से हम सारी हाइट्स को लेते हैं, तो सी लेवल से 8 किलोमीटर, ओके। तो लिख लीजिए सी लेवल से, ओके, सी लेवल से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक जैव मंडल पाया जाता है, बायोस्फीयर पाया जाता है। और आपको अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा मंडल कौन सा है, तो आप लोग बता सकते हैं सबसे छोटा मंडल जैव मंडल है, क्योंकि ये संकीर्ण क्षेत्र होता है जहां पर जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल तीनों जहां पर मिलते हैं वहां पर निर्माण होता है जैव मंडल का। और जैव मंडल को ही आप लोग संजीव मंडल के नाम से भी जानते होंगे। तो समझ में आ गया आप लोग, इसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारी परतें पाई जाती हैं, बहुत सारे मंडल पाए जाते हैं। चलिए हम लोग एक बार अंदर के थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा अध्ययन करने का प्रयास करते हैं कि हमारी पृथ्वी है भाई वो अंदर से कैसी पाई जाती है। और अंदर से ही बल लग रहा है तो पहले हमें परतों का होना पता होना जरूरी है। तो पृथ्वी के अंदर आज तक कोई भी इसके केंद्र तक नहीं पहुंच पाया और ना ही पहुंच सकता है अभी तक, ओके। कोई मतलब एलियन टेक्नोलॉजी मिल जाए वो तो एक अलग बात है, क्योंकि आप देखेंगे 32 मीटर, सिर्फ 32 मीटर की गहराई पर अंदर जाने पर पृथ्वी की सतह से, अगर ये पृथ्वी की सतह, अगर इस सतह से सिर्फ और सिर्फ अगर हम 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं, 32
मीटर की गहराई पर जाते हैं, मतलब अंदर जाते हैं, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ 320 मीटर की गहराई पर जाने पर, 320 मीटर की गहराई पर जाने पर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है। और इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगा लगभग में अगर हम 3 किलोमीटर, ओके, यानी कि 3200 मीटर अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो लगभग में 3 किलोमीटर और 200 मीटर बनेगा जाकर के, ओके, तो 3 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं ना किस खतरनाक रूप से वृद्धि हो रही है, जो कि हमें पृथ्वी के कितने अंदर जाना है, बहुत अंदर तक जाना, तो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें सब कुछ समझने का प्रयास करते हैं अच्छे से। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर पृथ्वी की, ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, ओके, तो देखिए अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें, जिसको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ बोलते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ बोलते हैं, ओके, तो अर्थ का हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक देखेंगे भूमिका, क्या देखेंगे, भूमिका देखेंगे, मतलब इंट्रो देखने का प्रयास करेंगे, ओके। इसके अलावा आपको बताएंगे कि आखिर आंतरिक संरचना किस प्रकार की पाई जाती है, हमें पता कैसे पड़ा, तो इसके लिए अध्ययन किया होगा, इसके लिए क्या किया होगा, अध्ययन किया होगा ना, तो हम लोग देखेंगे कि भाई हमको पता कैसे चला, ओके, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर अध्ययन की प्रणालियों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो अध्ययन किया गया था वो घनत्व पर आधारित अध्ययन किया गया था, और घनत्व के आधार पर अध्ययन करके बताया गया हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। अभी आपको बताएंगे किस तरह से बताया गया, ओके, तो आपको देखने को मिलेगा घनत्व पर आधारित, घनत्व पर आधारित आधारित अध्ययन को हम लोग देखेंगे, ओके, जो कि आपको ज्यादा महत्वपूर्ण देखने को नहीं मिलेगा, यहां से सिर्फ बहुत ही शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है पीटी में, मेंस में यहां से नहीं पूछेगा, ओके, क्योंकि ये प्रासंगिक नहीं है। दूसरा अध्ययन किया गया था वो तापमान पर, क्योंकि घनत्व पर आधारित अध्ययन में कुछ खामियां पाई गई, इसकी आलोचना हुई, तब इसकी आलोचना हुई तो आपको देखने को मिलेगा तापमान पर आधारित, तापमान पर आधारित अध्ययन को आधार बनाया गया, तापमान को क्या बनाया गया, अध्ययन का आधार बनाया गया, और इसके आधार पर, तापमान के अध्ययन के आधार पर यहाँ पर बताया कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। इसके अलावा फिर दाब पर आधारित अध्ययन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ताप पर आधारित अध्ययन था, इसमें भी अपनी क्या थी, खामियां थी, इसकी आलोचना हुई, जब इसकी आलोचना हुई तो ये भी क्या है, प्रासंगिक नहीं रहेगी, ओके। इसके अलावा फिर आया भूकंप शास्त्र पर आधारित, मतलब भूकंप पर आधारित जिसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी बेस्ड, आपको देखने को मिलेगा स्टडी। सिस्मोलॉजी में क्या किया जाता है, जो सिस्मोलॉजी में जो भूकंपीय तरंगे होती हैं, ओके, जिसको सिस्मिक वेव भी बोलते हैं, इन वेव का, इन तरंगों का अध्ययन करके पृथ्वी का आपको देखने को मिलेगा एक सटीक जानकारी प्राप्त की गई। तो ये सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, और जो आपको याद रखना है और जिस पर हम लोग सबसे ज्यादा विस्तार में बात करेंगे वो इसी वाले पे बात करेंगे कि भूकंप पर आधारित अध्ययन, और इसके आधार पर किस तरह से हमारी पृथ्वी के अंदर संरचना पाई जाती है, कौन कौन से उसके अंदर तत्व पाए जाते हैं, वो सब कुछ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ओके। तो देखिए ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए फिर हम लोग देखेंगे हमारी पृथ्वी, यहाँ पर ही आपको लिखना है, देखिए यहाँ पर आपको लिखना है कि हम फिर क्या हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग भूकंप पर आधारित अध्ययन देख लेंगे तो आपको ये चीज ऑटोमेटिकली मिल जाएगी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्गीकरण आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पृथ्वी के अध्ययन के बारे में। बताइएगा यहां तक अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, अगर डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। तो देखिए
चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इस तरह से हमारी पृथ्वी देखने को मिलेगी। अब आप लोग अच्छे से एकदम अलर्ट होकर के देखिएगा, यहां से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है, यहां से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। एकदम अलर्ट हो जाइए यहां से। तो देखिए इस तरह से आपको क्या देखने को मिलेगी, हमारी कुछ पृथ्वी देखने को मिलेगी। अब देखिए इस तरह से हमारी पृथ्वी देखने को मिलेगी, ये क्या है, हमारी अर्थ है। ओके, अब इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा विभाजन करने का इसका प्रयास करते हैं। कहाँ का विभाजन, आंतरिक परतों का। अभी हमने क्या किया था, इसकी बाह्य परतों का एक तरह से देखा था कि जैसे कि एक स्तर मंडल पाया जाता है, जल मंडल पाया जाता है, जैव मंडल पाया जाता है, और आपको वायुमंडल देखने को मिलेगा। लेकिन पृथ्वी के अंदर भी विभिन्न मंडल पाए जाते हैं, इनकी परतें हैं, जो लेयर्स हैं, उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। पृथ्वी की सतह के ऊपर नहीं, अब अंदर जा रहे हैं हम लोग। तो देखिए इस तरह से अगर हम पृथ्वी को अगर हम बांटे तो आपको मुख्यतः तीन परतें देखने को मिलेगी। यानी कि ये हमारी पृथ्वी है, इसको ही हमने क्या किया, इस तरह से तीन भाग में डिवाइड कर दिया। तो आपको इस तरह से तीन लेयर्स देखने को मिलेंगी। ओके, ये क्या है, फर्स्ट लेयर है, ये कौन सी है, सेकेंड लेयर है, और ये आपको थर्ड लेयर देखने को मिलेगी। मतलब हम मुख्यतः बड़े बड़े पैमाने पर अगर हम इसको बांटे तो हम इसको तीन भागों में बांट सकते हैं। और इसी को हम क्या करते हैं, काट लेते हैं भाई चाकू से। जैसे कि अभी आप सेब लीजिए और सेब को क्या करिए, इस तरह से, जैसे अगर हम बेस्ट एग्जांपल ले तरबूज, आप लोग जाते हैं तरबूज लेने तो आप पूरा तरबूज कटवा करके देखते हैं कि पूरा भैया काट के दो, एक एक दाना काट करके दो, तब हम पता करेंगे कि तरबूज है वो लाल है नहीं है, मीठा नहीं है। वो क्या करता है, वो पूरा तरबूज नहीं काटता, बल्कि उस तरबूज में छोटा सा क्या करता है, इस तरह से कट लगाता है, कट लगा करके वो निकाल के दे देता है। तो उसी तरह से हम पृथ्वी में भी अगर हम इसके अंदर तक जाना चाहते हैं, पूरा देखना चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी एक तरबूज है, पृथ्वी के अंदर तक कैसा है, तो इसको काट लेते हैं। अब देखिए ये कैसे काटा जाएगा, हम लोग इसे मनोवैज्ञानिक स्तर पर काटेंगे, चाकू लेकर के तो काट नहीं सकते। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं, इस पृथ्वी को तरबूज की तरह काट लेते हैं। हम इस तरह से देखिए काट निकाल लेते हैं, ऐसी तो तरबूज काटा जाता है और इसको निकाल करके ऐसे रखा जाता है, मजे से खाया जाता है, तो पता चल जाता है तरबूज हाँ लाल है, फिर हम लोग खरीद लेते हैं उसको। तो अब ये काट है ना, इसी को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए तीसरे में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से आपको कुछ देखने को मिलेगा। ये क्या है, तरबूज वाली ही आपको इस तरह से कुछ खेप देखने को मिलेगी, मतलब पीस देखने को मिलेगा। तो देखिए हमारी पृथ्वी पर इस तरह से पर्वत पाए जाते हैं ऊपर, और फिर इस तरह से आपको नीचे का स्थल भी देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, एक केंद्र वाला पार्ट है। ओके, जैसे देखिए दिखा देते हैं आपको दूसरे कलर से, ए वाला पॉइंट है ना, नीचे वाला ए ए पॉइंट है, और ये क्या है, बी पॉइंट है। तो इस तरह से ए ए पॉइंट है और ए बी पॉइंट है, बस क्या कर दिया हमने, इसको जूम कर दिया थोड़ा सा। तो इस ए भी क्या है, तीन पार्ट में डिवाइड है ना, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं भाई, तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह से हमने क्या किया, इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया, क्या कर लिया, इस तरह से इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया। तो देखिए ऊपर वाली जो लेयर है, इसी लेयर को बोलते हैं सियाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट में सियाल बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं। सियाल है, ये क्या है, ये तत्व है। हमने किसके आधार पर ये वर्गीकरण किया, तत्वों के आधार पर वर्गीकरण किया, और इसको क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में भी इसको सियाल बोलते हैं। सियाल का मतलब क्या है, इसमें दो तत्वों की मुख्यता में दो तत्व पाए जाते हैं। Si का मतलब होता है सिलिका, Al का मतलब होता है एल्युमिनियम। ओके, तब इसको अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सिलिका सियाल हो जाएगा। ओके, सिलिका और एल्युमिनियम। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा यहां पर आपको Si मतलब सिलिका और Ma। ओके, यानी कि जो दूसरी वाली परत है इसको जिस नाम से हम लोग जानते हैं, सीमा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, सीमा। सीमा क्या है, Si का मतलब है सिलिका, Ma का मतलब है मैग्नीशियम। ओके, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसी तरह से नीचे वाला है, ये नीफे से मिलकर के बना है, Ni और Fe। Ni और Fe को हम दोनों जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है, नीफे बन जाता है, शॉर्ट में भाई क्या बन जाता है, नीफे। यानी कि इसके अंदर किसकी अधिकता है, इसके अंदर जो अधिकता देखने को मिलेगी वो निकेल और आपको फेरस मतलब लोहा, Fe का मतलब वो क्या होता है, फेरस। तो निकेल और फेरस की अधिकता आपको देखने को मिलेगी। तो क्या है, इस तरह से हमने पृथ्वी का थोड़ा सा विभाजन करके देख लिया। चलिए हमको तीन परतें मिल गई, हमने उनको तत्वों के आधार पर बांट दिया। तो आपसे पूछा जाए
कि जो फर्स्ट लेयर होती है उसमें किस तत्व की अधिकता होती है, तो आप लोग आंख बंद करके लगा दीजिए, सीआर मतलब सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। ये परत किससे मिलकर बनी है, सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बनी है। दूसरी परत है वो सीमा है, ये किससे मिलकर बनी है, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है। तीसरी लेयर किससे बनी है, नीफे यानी कि निकेल और फेरस से मिलकर बनी है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, अभी देखिए हम क्या करते हैं, इसको अभी भी नहीं छोड़ते हैं, अभी भी इसका हम क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। चलिए हम फिर से इसका विभाजन करते हैं, वही ए पॉइंट ए है। ओके, ए पॉइंट ए है और इस तरह से देखिए इधर हम बना देते हैं इसको कुछ इस तरह से। ओके, ये क्या है, यही वाला मैप है, हमने यहां पर बना दिया। तो उसमें भी हमने क्या बनाई थी, तीन लेयर बनाई थी, इसमें भी हम क्या बना देते हैं, इस तरह से तीन लेयर बना देते हैं भाई। तो देखिए जो सियाल से निर्मित जो आपको परत देखने को मिलेगी, इसी को हम लोग नाम देते हैं क्रस्ट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, हिंदी में इसको क्रस्ट बोलते हैं और इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, इसको क्रस्ट बोलते हैं। और क्रस्ट को ही परपट्टी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको परपट्टी भी बोल देते हैं। ओके, कोई दो राय आपको नहीं देखने को मिलेंगी। और इसी तरह से जो दूसरी लेयर है, मतलब जो सीमा वाली लेयर है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं मेंटल। ओके, क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको मेंटल ही बोलते हैं। और इसी तरह से जो तीसरी वाली है, नीचे वाली जो परत है, तीसरे नंबर की जो परत है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोर बोलते हैं। और यही क्या है भाई, इसको इंग्लिश में भी कोर बोल देते हैं। ओके, और हिंदी में इसको क्या बोल देते हैं, देखिए हिंदी में कुछ इसका अलग नाम है, इसको केंद्र बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, केंद्र भी बोल देते हैं। ओके, तो आंतरिक केंद्र और बाह्य केंद्र भी आप लोगों ने कभी कभार सुना होगा। इसी क्रस्ट को कभी कभार परपट्टी के नाम से भी बोल देते हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। ओके, ये चीज समझ में आई। चलिए इसका थोड़ा सा और विभाजन करते हैं, अभी हमको संतुष्टि नहीं हुई, अभी हम इसका और विभाजन करते हैं, तो आप लोग समझिए एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। अभी क्या है, देखिए परत दर परत आपको अंदर ले जाते हैं। देखिए थोड़ा सा और हम अंदर जाएंगे तो देखिए इसी परत को हम दोबारा से बनाते हैं, इसी परत को हम क्या करते हैं, दोबारा से यहाँ पर मैप बनाते हैं और इसका थोड़ा सा और ज्यादा क्या करते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा इसका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। ओके, इस तरह से आपको कुछ देखने को मिलेगा। हम क्या किए थे, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किए थे। ओके, पहला पार्ट व्हाइट कलर ले लेते हैं, ये क्या है, फर्स्ट पार्ट है। ओके, फिर ये क्या है, यहाँ पर सेकेंड पार्ट आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए जो कोर है ना, इसी कोर को केंद्रीय मंडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, केंद्रीय मंडल के नाम से जानते हैं। जो कोर है वही क्या है, केंद्रीय मंडल है। इसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय मंडल बोलते हैं, केंद्रीय मंडल बोलते हैं। ओके, ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय मंडल किससे मिलकर के बना है, किन तत्वों से मिलकर बना है, किन तत्वों की अधिकता है, तो आपको बोलना है नीफे, निकेल और फेरस, मतलब लोहा ज्यादा पाया जाता है और निकेल ज्यादा पाया जाता है, आपको देखने को मिलेगा उसके उससे मिलकर के ये बना हुआ है। अब इसके बाद जो दूसरे नंबर पे यानी कि जो मेंटल है वो उसकी उसको क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं मध्य मंडल बोलते हैं, मध्य मंडल बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको मेसो स्फीयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेसो स्फीयर के नाम से जानते हैं। तो मेसो स्फीयर यानी कि मध्य मंडल क्या है, मेंटल है। और मेंटल किससे मिलकर बना है, सीमा से मिलकर बना है, मतलब सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बना है। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा जो ऊपर वाला है, इसको बोलते हैं स्थल मंडल बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं। ओके, और स्थल मंडल को क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लिथोस्फीयर बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया आप लोग ये। लेकिन इसके बीच में एक थोड़ा सा ट्रांजिशन वाला जोन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक ट्रांजिशन वाला जोन पाया जाता है जिसको बोलते हैं दुर्बल मंडल। जो मध्य मंडल है इसकी ऊपर की परत में आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसकी ऊपर की परत में आपको देखने को मिलेगा, दूसरे कलर पीला कलर नहीं लेते हैं, एक दूसरा कलर ले लेते हैं। ओके, जिससे आप लोगों के लिए एकदम क्लियर दिखे। यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो मध्य मंडल है या फिर मेंटल है या फिर हम सीमा की बात कर ले, इसका जो ऊपर का पार्ट होता है लगभग में 200 किलोमीटर के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहां पर एक ट्रांजिशन जोन पाया जाता है, इसी को बोलते हैं दुर्बल मंडल। एक एक्स्ट्रा मंडल देखने को मिलेगा।
ओके, ये क्या है? दुर्बल मंडल है भाई, दुर्बल मंडल है। ओके, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लिथोस्फीयर बोलते हैं। अब देखिए कहीं कहीं पर क्रस्ट का नीचे वाला पार्ट भी इसमें शामिल होता है, लेकिन मेंटल वाला ऊपर वाला पार्ट इसमें शामिल होता है। तो देखिए दुर्बल मंडल के बारे में हम आगे लिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बची है, आप लोग यहाँ पर ही लिख लीजिए अगर अगर आपके पास जगह हो। देखिए जगह है तो इस तरफ, तो इसी तरफ लिखा देते हैं। देखिए दुर्बल मंडल है, इसी को बोलते हैं लिथोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिथो, लिथो स्फीयर बोलते हैं। ओके, और लिथोस्फीयर किससे मिलकर के बना है तो आपको देखने को मिलेगा जो निचला क्रस्ट है, आगे ही लिखा देते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत हौच पौच हो जाएगा, बहुत हौच पौच हो जाएगा वहां पर, यहाँ पर ही लिख देते हैं। दुर्बल मंडल जिसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। ओके, देखिए लिथोस्फीयर है किससे मिलकर के बना है आपको देखने को मिलेगा, जो क्रस्ट है, जो क्रस्ट है, तो जो निचला क्रस्ट है, ओके, निचला क्रस्ट है, मतलब जो लोअर क्रस्ट है, ओके, और प्लस आपको देखने को मिलेगा जो अपर, मतलब ऊपर का आपको मेंटल देखने को मिलेगा। ओके, ऊपर का जो मेंटल वाला पार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, इससे मिलकर के दुर्बल मंडल बनता है। और दुर्बल मंडल है ये किस अवस्था में पाया जाता है, तो ये ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता। किस अवस्था में पाया जाता है? ये प्लास्टिक स्टेज में पाया जाता है, इसलिए इसको दुर्बल मंडल बोलते हैं। कि क्या है भाई, ये स्ट्रांग नहीं है भाई, इसके अंदर क्या नहीं है भाई, स्ट्रांगनेस नहीं है, ये क्या है, थोड़ा सा दुर्बल है, कमजोर है, लुचुर पुचुर टाइप का ये बंदा है भाई, इसीलिए इसे बोलते हैं प्लास्टिक स्टेज बोलते हैं। जैसे कि दलदली भूमि नहीं होती है कुछ, जैसे आप जैली खाते हैं ना, जैली आप लोग खाते होंगे बचपन में, अभी तो बचपना नहीं गया है, तो बचपन में या फिर अभी आप लोग जैली खाते होंगे। जैली कैसी होती है? ना ही तरल होती है, ना ही ठोस होती है, क्या होती है? वो प्लास्टिक स्टेज में होती है। तो उसी की तरह आपको देखने को मिलेगा ये, ओके, ये क्या होता है, ये ठोस व द्रव के मध्य की अवस्था होती है, के मध्य की अवस्था में पाया जाता है, ओके, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, नोट करके लिख दीजिए, ये ठोस अवस्था में नहीं है, ये ठोस अवस्था में नहीं है और ना ही तरल अवस्था में है, समझ लीजिएगा, तरल अवस्था में ना ही, ये तरल अवस्था में है ना ही ये ठोस अवस्था में, किस अवस्था में, प्लास्टिक स्टेज में है। ओके, दुर्बल अवस्था में आपको देखने को मिलेगी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दुर्बल मंडल बोल देते हैं। इतना आप लोग समझ में आया? चलिए अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और विभाजन करने का प्रयास करते हैं। इस तरह की आपको चीज देखने को मिल गई, इसका क्या करते हैं, थोड़ा सा और विभाजन करते हैं, थोड़ा सा और इसको अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे स्लाइड पर आपको ले चलते हैं और फिर थोड़ा सा और इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देखिए ये अभी हम लोग मैप बनाए थे, इस तरह से कुछ हम लोग मैप बनाए थे। ओके, तो देखिए हम क्या बनाए थे, इस तरह से तीन यहां पर आपको लेयर्स बनाए थे। ओके, तो आपको देखने को मिलेगा यहां पर हम बोले थे इसको क्रस्ट, क्या बोले थे इसको हम, क्रस्ट बोले थे। इसको मेंटल बोले थे। ओके, और इसको क्या बोले थे, कोर बोले थे। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, इसका और थोड़ा सा विभाजन करने का प्रयास करते हैं। देखिए जो क्रस्ट है ना, इसको भी हम क्या करते हैं, दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। क्रस्ट क्या है, दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हम मेंटल को भी दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, हम इसको अपर मेंटल और लोअर मेंटल में डिवाइड कर लेते हैं। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा कोर को भी हम दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं, एक आउटर कोर देखने को मिलेगा और एक इनर कोर देखने को मिलेगा, यानी कि अंदर वाला आपको केंद्र देखने को मिलेगा, एक बाहर वाला केंद्र देखने को मिलेगा। मतलब इसका हम क्या करते हैं, थोड़ा सा विभाजन करते हैं। तो चलिए यही विभाजन आपको दिखाते हैं, और यहां से क्या होगा,
थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होना प्रारंभ हुई। देखा, सिंप्लीफाई से लेकर के आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज तक ले आएंगे, लेकिन बहुत अच्छे से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है कि इससे बाहर आपको समझ में ना आए। तो चलिए बनाते हैं, इस बार आपको थोड़ा सा मैप बड़ा बनाना है। क्या बनाना है? मैप थोड़ा सा आपको इस तरह से बड़ा बनाना है। तो ये क्या है? स्थल मंडल है भाई। तो कहीं पर आपको ऊंची संरचना देखने को मिलेगी, कहीं नीचे भी देखने को मिलेगी। तो देखिए, ये हमने क्या बनाया था, इस तरह से एक लाइन खींची थी और एक लाइन ये खींची थी। तो देखिए, ऊपर क्या है, क्रस्ट है, और नीचे क्या है, मेंटल है। अब देखिए, क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड करने वाली एक रेखा है, एक रेखा है, और इधर भी एक रेखा है। ओके, तो इनका नाम भी होगा कुछ, इनका नाम हमने रख दिया, जिससे हमको पता चल सके कि क्रस्ट और मेंटल को कौन कौन अलग कर रहा है। भाई, क्रस्ट और मेंटल को अलग कौन कर रहा है? तो देखिए, क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली संरचना जो आपको देखने को मिलेगी, इसी को बोलते हैं मोह आसान तथ्य। क्या बोलते हैं? मोह आसान तथ्य, आसान तथ्य आपको देखने को मिलेगा। ओके, इंग्लिश में भी क्या बोलेंगे? मोह डिसकॉन्टिन्यूटी बोलेंगे। अब देखिए, यहां पर हम ज्यादा हॉज पॉज नहीं करेंगे, आपको बता देते हैं आसान तथ्य क्या होता है। ओके, आसान तथ्य जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी। देखिए, आसान तथ्य यानी कि डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होता है? एक ऐसा संक्रमणशील क्षेत्र होता है जहां पर दो चीजों की विशेषताएं एक साथ देखने को मिले। ये क्या है? ये आपको एक संक्रमणशील क्षेत्र देखने को मिलेगा। क्या है? संक्रमणशील क्षेत्र, संक्रमणशील क्षेत्र है। ओके, एक संक्रमण क्षेत्र है, संक्रमण क्षेत्र, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन भी बोलते हैं। देखिए, ट्रांजिशन जोन क्या होता है, आपको एक एग्जांपल के लिए बताते हैं। जैसे कि मानते हैं ए क्या है, कोई ए चीज है, और तो ए की प्रॉपर्टी क्या होंगी, अपनी प्रॉपर्टी होंगी। इसी तरह से एक बी पिंड है, उसकी भी क्या होंगी, अपनी प्रॉपर्टी होंगी। लेकिन क्या है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो देखिए, इन दोनों की प्रॉपर्टी, ए की प्रॉपर्टी और बी की प्रॉपर्टी जहां पर मिलती हो, मतलब वहां पर क्या है, ए वाला जो क्षेत्र है जहां पर दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं, इसी क्षेत्र को बोलते हैं संक्रमणशील क्षेत्र बोलते हैं। मतलब इसकी कोई अपनी विशेषता नहीं है भाई, बल्कि ए की भी विशेषता इसके पास में है, बी की भी विशेषता है। तो संक्रमणशील क्षेत्र वह होता है जो दो चीजों को अलग अलग करता है। तो इसीलिए इसको आसान तथ्य बोल देते हैं। डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है भाई? यहां से क्या होगी, अब ये चीज बदल जाएगी, मतलब डिसकॉन्टिन्यू हो जाएगी, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो इसीलिए इसको डिसकॉन्टिन्यूटी या फिर आसान तथ्य बोल देते हैं। ये कैसा क्षेत्र होता है? एक संक्रमणशील क्षेत्र होता है। संक्रमणशील क्षेत्र क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर दो चीजों की विशेषताएं एक साथ देखने को मिलती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, संक्रमणशील क्षेत्र बोलते हैं। तो देखिए, अभी हम आपको इस तरह से मैप बनाए थे, कुछ इस तरह से मैप बनाए थे। ओके, तो देखिए, यहां पर क्या था, ऊपर क्रस्ट था, नीचे मेंटल था। ओके, लिख देते हैं, ऊपर क्या था, क्रस्ट था, नीचे क्या था, मेंटल था। ओके, अब देखिए ये लाइन जो आपको देखने को मिलेगी ना, ये लाइन है, इस लाइन के पास में कुछ ऐसा क्षेत्र होगा जिसके पास में क्रस्ट की भी अपनी विशेषताएं होंगी और साथ में मेंटल की भी विशेषताएं होंगी। मतलब एक तो ऐसा क्षेत्र ऐसा तो नहीं होगा एकदम ऐसी स्ट्रेट लाइन बॉर्डर लाइन खींच दी, इधर पाकिस्तान इधर इधर हिंदुस्तान, ऐसा नहीं हो सकता ना। ये तो भाई पृथ्वी है, हल्की हल्की विशेषताओं में परिवर्तन आता है, एक साथ थोड़ी ना आप सियाल सियाल से सीमा बन जाएगा, नहीं। तो आपको कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जो संक्रमणशील क्षेत्र होता है, एक लाइन हमने जो खींची है तो वो वही क्या है, आसान तथ्य है। तो पहला है, इसी को हमने क्या बोला, मोह आसान तथ्य बोला, मोह आसान तथ्य बोला। अगर आपसे पूछा जाए मोह आसान तथ्य किस किस को अलग कर रही है, तो मोह आसान तथ्य है वो क्रस्ट को और मेंटल को अलग कर रही है। किसको अलग कर रही है? क्रस्ट और मेंटल को अलग कर रही है। इसी तरह से नीचे भी आपको देखने को मिलेगी दूसरी लाइन ए भी है, जो मेंटल और कोर को अलग कर रही है। तो मेंटल और जो कोर को अलग करती है उसे बोलते हैं गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग बोलते हैं। इंग्लिश में भी क्या बोलेंगे भाई इसको, गुटेनबर्ग ही बोलेंगे, गुटेन
वर्ग आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए गुटेनबर्ग असांतत्य है किस किस को अलग करती है, आपसे पूछा जाए गुटेनबर्ग असांतत्य है या डिसकंटिन्यूटी है वो क्रस्टोमेंटल को अलग करती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गुटेनबर्ग असांतत्य किस किस को अलग कर रही है, आपको देखने को मिलेगा मेंटल और कोर को अलग कर रही है। इतनी चीज समझ में आई, अभी हम और ज्यादा इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। चलिए ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए यही क्या है, मोह असांतत्य है। ओके, मोह डिसकंटिन्यूटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा नीचे जिसको गुटेनबर्ग बोलते हैं। ये क्या है, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग। ओके, असांतत्य हम नहीं लिख रहे क्योंकि हमारे पास जगह कम है, आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, गुटेनबर्ग असांतत्य, गुटेनबर्ग असांतत्य मतलब डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को मिलेगी। ओके, अब देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, इसका थोड़ा सा और क्लासिफिकेशन किया, हमने क्या किया थोड़ा सा और क्लासिफिकेशन किया। चलिए थोड़ा सा और क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, व्हाइट कलर ले लेते हैं। तो देखिए ये क्या था, क्रस्ट था, ये वाला क्या था, ये पूरा रीजन क्या था भाई, क्रस्ट था। ये वाला रीजन आपको क्या देखने को मिलेगा, क्रस्ट देखने को मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, क्रस्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देखिए डॉट डॉट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ये क्या है, हमने क्रस्ट को दो भाग में डिवाइड कर दिया। ओके, और ये क्या है, ये आपको यहां से यहां तक आपको देखने को मिलेगा मेंटल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, मेंटल आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहां से यहां तक आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको यहां से यहां तक आपको कोर देखने को मिलेगा। तो देखिए हम मेंटल को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए इसको भी हमने डॉट डॉट लाइन से क्या कर दिया, इस तरह से डिवाइड कर दिया। चलिए एक और हम डिवाइडेशन कर देते हैं, कोर में भी इसको दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। अब चलिए इनका नामकरण भी कर देते हैं, इनका क्या कर देते हैं, नामकरण थोड़ा सा कर देते हैं, थोड़ा सा इसका थिकनेस कम करते हैं। अब देखिए जो देखिए क्रस्ट है, तो हम क्रस्ट को क्या बांट देंगे, दो भागों में बांट देंगे, अपर और लोअर में बांट देंगे। तो देखिए ऊपर वाला है, हम उसको क्या बोल देंगे, अपर क्रस्ट बोल देंगे। ओके, और नीचे वाला है उसको क्या बोल देंगे, लोअर क्रस्ट बोल देंगे। भाई क्रस्ट ही तो है, ऊपर वाला तो उसको हम बोल देंगे उच्च क्रस्ट बोल देंगे, नीचे वाले को निम्न क्रस्ट बोल देंगे, या फिर इंग्लिश में इसको अपर क्रस्ट बोल देंगे, इंग्लिश में इसको लोअर क्रस्ट बोल देंगे, मतलब जो नीचे है उसको लोअर बोल देंगे, ऊपर है तो अपर बोल देंगे। कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं, रॉकेट साइंस देखने को मिलेगा। इसी तरह से मेंटल को भी हम क्या करेंगे, दो भाग में डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर वाला है उसको हम क्या बोल देंगे, अपर मेंटल बोल देंगे, क्या बोलेंगे, अपर मेंटल बोल देंगे। और जो नीचे वाला है उसको क्या बोल देंगे हम, लोअर मेंटल बोल देंगे, लोअर मेंटल बोल देंगे। ओके, तो कोई भी रॉकेट साइंस वाली चीज है नहीं, रॉकेट साइंस वाली चीज है। अब देखिए इसी तरह से कोर है, तो इसको हम इनर और आउटर बोल देंगे। आउटर का मतलब क्या होता है, बाहर। तो हम ऊपर वाले क्या बोल देंगे, आउटर कोर बोल देंगे, क्या बोल देंगे, आउटर कोर बोल देंगे। और नीचे वाला है इसको इनर कोर बोल देंगे, इनर कोर बोल देंगे। ओके, तो कोई भी रॉकेट साइंस वाली चीज। अब देखिए क्वेश्चन क्या करेगा, थोड़ा सा ट्विस्टेड कर देगा, क्वेश्चन क्या करेगा, थोड़ा सा ट्विस्टेड कर देगा। देखिए अभी हम बोले थे जो गुटेनबर्ग है वो किस किस को अलग कर रही है, ठीक है, गुटेनबर्ग असांतत्य है वो मेंटल और क्रस्ट को अलग कर रही है। लेकिन मेंटल और क्रस्ट में किस चीज को अलग कर रही है, तो हो सकता है इस तरह से पूछ ले कि अपर मेंटल और आउटर कोर को अलग करने वाली संरचना गुटेनबर्ग असांतत्य है, और आपसे पूछ लेगा सही कथन बताएं। ओके, या फिर असत्य कथन की पहचान करें। आपने इतना तो पढ़ लिया कि जो गुटेनबर्ग असांतत्य है मेंटल और कोर को तो अलग कर रही है, लेकिन ये अपर मेंटल और आउटर कोर को अलग नहीं कर रही है, बल्कि ये किसको, लोअर मेंटल और आउटर कोर को अलग कर रही है गुटेनबर्ग असांतत्य। इसी तरह से मोह असांतत्य किसको अलग कर रही है, मोह असांतत्य लोअर क्रस्ट, देखिएगा खुद से देखिएगा, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को अलग करने वाली जो संरचना है वो है मोह असांतत्य है, मोह असांतत्य है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करने वाली संरचना का क्या नाम है, भाई इसका भी नाम है, जैसे इसका नाम था तो इसका भी नाम होगा कुछ ना कुछ। तो चलिए आपको बता देते हैं, देखिए इधर वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसकी हमको जरूरत नहीं है, तो इसको क्या करते हैं हटा देते हैं, सेकंड रुकिए आपको, क्योंकि यहाँ पर अभी हमको जगह चाहिए थोड़ा सा, कंप्यूटर भी थोड़ा सा हैंग कर रहे हैं। अभी आप लोग बताइएगा, कोई आपको डाउट तो नहीं आ रहा है इतनी जगह में, अगर डाउट आ रहा होगा तो बता देना।
ऐसे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं जो अभी हम आपको बता रहे थे। देखिए, अब जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट है, इसको भी तो एक संरचना अलग कर रही है, तो इसी संरचना का हमने नामकरण कर दिया। ये थोड़ा सा ठीक हो गया है, इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। ओके, तो देखिए, जो क्रस्ट को, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करने वाला आसान तत्व है, इसी को क्या बोलते हैं? कोरोनाडो बोलते हैं। कोरोनाडो या फिर कोरनाडो, कुछ भी आप लोग बोल लीजिए। ओके, थोड़ा सा हैंग कर रहे हैं। कोरनाडो, कोनो राडो। ओके, लगता है अभी लिख नहीं पाएगा बेचारा, थोड़ा सा हैंग कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं? कोनोराडो बोलते हैं। ओके, इंग्लिश में भी इसको कोनोराडो ही बोलते हैं। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा, इधर भी एक आसान तत्व है, इसे क्या बोलते हैं? इसको रिफ्टी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? रिफ्टी बोलते हैं। ओके, और इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं इसको? रिफ्टी बोलते हैं, क्योंकि हम अब ज्यादा नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर है, इस वाले पेज में बहुत ज्यादा चीजें लिख चुके हैं, इसलिए हैंग करने लगा है। इसी तरह से जो नीचे वाला है, इसको बोलते हैं लेह मैन, लेह मैन। ओके, इंग्लिश में भी क्या बोलेंगे इसको? लेह मैन ही बोलेंगे, लेह मैन डिसकॉन्टिन्यूटी बोलेंगे। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अगर आपसे पूछा जाए, किसी भी तरह से पूछा जाए, आप लोग किसी भी तरह से बताने में सक्षम होंगे। ओके, तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए रिफ्टी है, अगर इसका किलोमीटर पूछ लिया जाए, तो कितने किलोमीटर पे कौन सी चीज देखने को मिलेगी? तो किलोमीटर अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। देखिए, जो मोह आसान तत्व है, मोह आसान तत्व है, वो आपको लगभग में देखने को मिलेगी। मोह आसान तत्व है, वो आपको लगभग में देखने को मिलेगी 70 किलोमीटर के अप्रॉक्स में। एक्चुअली ये चल नहीं रहा है। ओके, देखिए, मोह आसान तत्व है, वो आपको लगभग में 70 किलोमीटर के अप्रॉक्स में देखने को मिलेगी। गुटेनबर्ग आसान तत्व है, ये 2900 किलोमीटर के अप्रॉक्स में देखने को मिलेगी। और देखिए, जो इनर कोर का जहां पर अंत आपको देखने को मिलेगा, ये कितने पर होगा? जितनी हमारी पृथ्वी की आपको त्रिज्या देखने को मिलेगी, वो है आपको देखने को मिलेगा 6671 किलोमीटर, 3671 किलोमीटर। कभी कभार 3671 किलोमीटर की जगह आपको 374 भी देखने को मिलेगा, 375 भी आपको देखने को मिलेगा। और गुटेनबर्ग कितने में पाई जाती है? 2900। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, और इसी तरह से अगर हम रिफ्टी की बात करें, तो वो आपको देखने को मिलेगा 700 किलोमीटर के अप्रोक्स में, 700 किलोमीटर के अप्रोक्स में आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसी तरह से अगर आप हम बात करें, यहाँ पर लेह मैन यहाँ पर बचा है, तो लेह मैन आपको 5150 किलोमीटर के अप्रोक्स में देखने को मिलेगा। ओके, कितने पर? 5150 किलोमीटर के अप्रोक्स में देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा कम ज्यादा सभी जगह आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अभी हम इसमें ज्यादा चीजें नोट नहीं कर पा रहे हैं, आगे हम थोड़ा सा नोट करा देते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, जगह ज्यादा नहीं बची। तो देखिए, यहाँ पर फिर से वही मैप बना देते हैं, क्योंकि वो वाला पेज हैंग कर रहा था। देखिए, इस तरह से हम तीर बनाए थे। ओके, और इसके अंदर भी हम क्या किए थे? इस तरह से डिवाइडेशन किए थे डॉट डॉट लाइन से। तो इसमें हम लोग फिर से कर देते हैं, आप लोग वहां पर ही ऐड कर लीजिएगा, हम नहीं कर सकते हैं, इस वजह से हम यहाँ पर करते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें, देखिए, इसके अगर हम घनत्व की बात करें, तो इसका जो घनत्व है वो आपको 2.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा। ओके, अगर हम इसके घनत्व की बात करें, ये क्या है? घनत्व हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ओके, तो घनत्व आपको लगभग में इतना यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर हम इसके घनत्व की बात करें, तो यहाँ पर आपको 4.5 से लेकर के 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा, अगर हम इसकी बात करें, तो आपको 11 से 13 ग्राम घन सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि घन सेंटीमीटर क्या है? मतलब जो घनत्व है वो यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि इससे क्या निकला? जैसे जैसे गहराई बढ़ रही है,
गहराई बढ़ रही है, आप लोगों ने देखा घनत्व में वृद्धि हो रही है, घनत्व में वृद्धि हो रही है। अब देखिए यहाँ पर घनत्व में वृद्धि होने का कारण क्या है, क्योंकि हम बताए थे ऊपर वाली है, यहाँ पर हल्के तत्व ऊपर पाए जाते हैं, मतलब सियाल, मतलब सिलिका और एलुमिनियम, एलुमिनियम सिलिका है, ये हल्के तत्व है, इनका घनत्व क्या होता है कम होता है। फिर उससे अपेक्षाकृत भारी है वो आपको इससे नीचे देखने को मिलेंगे, मतलब सीमा आपको देखने को मिलेगा, सिलिका और मैग्नीशियम आपको देखने को मिलेगा, ये अपेक्षाकृत थोड़े भारी होते हैं तो आपको देखने को मिलेगा इनका घनत्व और बढ़ जाता है। फिर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा निकेल और फेरस, आप लोग जानते हैं लोह का घनत्व बहुत ज्यादा होता है, निकेल और फेरस का घनत्व डेंसिटी ज्यादा होने के कारण यहाँ पर इस तरह से घनत्व में वृद्धि हो रही है, एक कारण तो ये हो गया। और दूसरा कारण आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ने पर भी आयतन में कमी आती है, आप लोगों को पता है जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी तो गहराई बढ़ने पर वॉल्यूम होता है, मतलब जो आयतन होता है उसमें क्या आती है, कमी आती है। आयतन में कमी क्यों आ रही है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर दाव बढ़ रहा है, दाव बढ़ने से आयतन में कमी आती है, और अगर आयतन में कमी आती है तो आप लोग जानते हैं कि घनत्व में वृद्धि होती है, घनत्व में वृद्धि होती है। तो दो कारण है यहाँ पर घनत्व में वृद्धि होने के, एक तो भारी तत्वों का गहराई बढ़ने के साथ में भारी तत्वों की अधिकता, और दूसरा क्या है, दाव भी बढ़ता चला जाता है, दबाव भी प्रेशर भी बढ़ेगा तो आयतन में कमी आएगी, आयतन में कमी आने के कारण यहाँ पर इस तरह की संरचना देखने को मिलेगी। अब आपको एक चीज और इम्पोर्टेंट बता देते हैं, ये देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी लेयर है वो किस अवस्था में है, कौन कौन सी लेयर है वो किस अवस्था में है, तो आप लोग वहां पर ही नोट करिएगा, हम नेक्स्ट पेज पर आपको बताते हैं। देखिए इस तरह से आपको कुछ वो लेयर्स देखने को मिलेंगी, तो देखिए ये क्या है, फर्स्ट है, ये सेकंड है, और इसी में हमने क्या किया था, सब डिवाइडेशन किया था इस तरह से डॉट 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 लाइन, ओके। और आपको लगभग में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, दुर्बल मंडल भी देखने को मिलेगा, चलिए हम दुर्बल मंडल भी बना दिए। तो देखिए जो आपको हमारी आपको क्रस्ट देखने को मिलेगा, जो क्रस्ट है ये किस अवस्था में है, ये ठोस अवस्था में देखने को मिलेगा। इसी तरह से जो आपको मेंटल देखने को मिलेगा, ओके, मेंटल देखने को मिलेगा ये भी किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, लेकिन मेंटल का ऊपर के पार्ट में क्या पाया जाता है, यहां पर दुर्बल मंडल पाया जाता है, और ये क्या है, ये ठोस अवस्था में नहीं है, ये प्लास्टिक स्टेज में है, ओके, प्लास्टिक अवस्था में है, ओके, या फिर इसको अर्ध तरल अवस्था भी बोलते हैं, अर्ध तरल अवस्था बोलते हैं, ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी, अर्ध तरल अवस्था या फिर प्लास्टिक स्टेज में पाया जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि मेंटल है वो पूरा मेंटल अर्ध तरल अवस्था में नहीं है, उसका कुछ भाग, छोटा सा भाग, वो भी किस मेंटल का, आपको ऊपरी मेंटल का आपको देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा पार्ट आपको क्रस्ट का जो नीचे वाला पार्ट है वो दुर्बल स्थिति पाया जाता है, लेकिन तरल अवस्था में नहीं। अगर आपसे पूछा जाए मेंटल तरल अवस्था में, नहीं, एकदम लगा दीजिए नहीं, आप बंद करके लगा दीजिए, तरल अवस्था में नहीं है। लेकिन हम वहीं पर जब यहां पर क्या आता है, आउटर कोर आता है, क्या आता है यहाँ पर, आउटर कोर आता है, तो आप लोग जानते हैं आउटर कोर है ये तरल अवस्था में, जो लोग नहीं जानते वो आज जान लीजिए, एक किस अवस्था में है आपको देखने को मिलेगा, एक किस अवस्था में है आपको, तरल अवस्था में देखने को मिलेगा, ओके, किस अवस्था में है, तरल अवस्था में आपको देखने को मिलेगा। और इसके जो नीचे वाला आपको देखने को मिलेगा एक किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, मतलब जो इनर है, जो इनर कोर है वो किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, तो आपको पता चल गया कौन सी परत है वो किस अवस्था में। आप लोग सोच रहे होंगे आखिर ये नीचे वाला पार्ट है तरल अवस्था में क्यों हो गया, क्योंकि आपको बताए थे जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो प्रति 32 मीटर गहराई में जाने पर, मतलब नीचे जाने पर आपको देखने को मिलेगा 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो आप देखेंगे जब हम 2900 किलोमीटर की गहराई पे पहुंचते हैं, 2900 किलोमीटर की गहराई पे पहुंचते हैं तो तापमान इतना अधिक हो जाता है कि यहाँ पर जो चट्टाने हैं वो अपनी ठोस अवस्था में नहीं रह सकती हैं, तो ठोस अवस्था में नहीं रह सकती तो वो किस में आ जाती है, तरल अवस्था में आ जाती है। क्यों, क्योंकि 2900 किलोमीटर के बाद तापमान बहुत अधिक हो जाता है, तापमान अधिक होने के कारण ही ये जो जो चट्टाने हैं वो तरल अवस्था में आ जाती है, मतलब तरल हो जाती है। लेकिन आप कहेंगे नीचे जाएंगे तब तो और ज्यादा तापमान बढ़ जाएगा,
अब नीचे जाने पर और ज्यादा तापमान बढ़ जाएगा, तो ये ठोस अवस्था में कैसे भाई, एक ठोस अवस्था में कैसे? तो देखिए इसका ठोस अवस्था में होने का कारण क्या है, जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर अधिक घनत्व वाली चीजें देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर प्रेशर अधिक होने के कारण नीचे होगा वो प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम पॉइंट पर क्या होगा अपना प्रेशर होगा ना। अब आप लोग जानते हैं जब प्रेशर बढ़ता है, अभी आगे पढ़ाएंगे भी, जब घनत्व पर आधारित अध्ययन और दाब पर आधारित अध्ययन जब पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा, जैसे हम प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो किसी भी वस्तु का गलनांक जो बिंदु होता है और क्वथनांक बिंदु होता है ये दोनों बढ़ जाते हैं। जैसे कुकर के अंदर जो आप जल उबालते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस में नहीं उबलता है, अगर आप खुले वातावरण में अगर जल को उबालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जल है, देखिए आपको बता देते हैं, जैसे तीन अवस्थाएं बताते हैं। देखिए पहली अवस्था क्या है, आप क्या है समुद्र तल पर है, मतलब आप कहाँ है मैदान में बैठे हैं भाई, और इस मैदान में मतलब अभी वर्तमान में आप जिस स्थान पर रह रहे होंगे वहां पर एक स्टोव जलाइए इस तरह से, और स्टोव जलाइए और इसमें जल भरिए, और यहाँ पर जो जल है जो उबलेगा वो लगभग में 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेगा उबलने लगेगा, और जिस तापमान पे जल उबलता है उसी को क्या बोलते हैं क्वथनांक बिंदु बोलते हैं। ओके ये क्या है जल का क्वथनांक, मतलब क्वथनांक का मतलब क्या है वो भाई उबलने लगा है, क्या करने लगा है उबलने लगा है। लेकिन ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, अब देखिए दूसरी कंडीशन आपको बताते हैं, अब आप मैदान की जगह कहाँ चलेंगे भाई, आप चलेंगे हिमालय पे, चलेंगे माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गए। अब माउंट एवरेस्ट पे कहाँ पहुंच गए ऊपर पहुंच गए, अब ऊपर पहुंच गए तो आप जानते हैं जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स में कमी आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स में कमी आने के कारण आपको देखने को मिलेगा वायुमंडलीय दाब है उसमें कमी आती है, यानी कि दाब क्या हो जाता है कम हो जाता है, तो पहाड़ों की चोटी पे बैठ करके आप जल को उबालेंगे ना, अब क्या किए पहाड़ों की चोटी पर आप बैठे हैं मानते हैं, और वहां पर क्या कर रहे हैं इस तरह से बीकर जलाए और वहां पर चावल दाल पकाने लगे, तो वहां पर चावल दाल है वो जल्दी पक जाएगा अपेक्षाकृत कम तापमान पर ही, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही यहाँ पर पानी उबलने लगेगा। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो गया, हमारा थर्मामीटर गड़बड़ा गया क्या, थर्मामीटर नहीं गड़बड़ाया, क्या चीज थी यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया कम हो गया, प्रेशर के कम होने के कारण जल क्या हो गया कम तापमान पर ही उबलने लगा। अब यही सोचो अब प्रेशर हम कम करने की जगह बढ़ा दे प्रेशर तब क्या होगा, अब क्या किए हम भाई थोड़े से स्मार्ट हो गए, और स्मार्ट होकर के हम क्या बना दिए एक मस्त इस तरह से कुकर बना दिया, कुकर में इस तरह से ढक्कन लगा दिए और ढक्कन इस तरह से हम लगा करके बना दिए, ये क्या है मस्त कुकर है। अब आप लोग कुकर ना दिख रहा हो कोई बात नहीं, मान लीजिए कुकर, क्योंकि आरजी सर की आपकी ड्राइंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, ओके इतनी अच्छी नहीं है। अब देखिए कुकर में अब क्या होता है भाप बाहर नहीं जा पाती भाई, जब इसमें हम गर्म करेंगे इसका तापमान बढ़ाएंगे तो अब इसकी भाप बनेगी तो भाप बाहर नहीं जा पाएगी, तो आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ने के कारण इसके अंदर जो जल होगा ना वो 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं उबलेगा बल्कि 100 डिग्री सेल्सियस से प्लस पर जा करके बॉइल होना प्रारंभ होगा, 100 पर तो उसमें नहीं उबलेगा, वो नहीं उबलने वाला, नहीं उबलने वाला भाई, वो कहेगा नहीं हमको नहीं उबलना, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इसका प्रेशर और ज्यादा बढ़ा दे, इसका प्रेशर और ज्यादा बढ़ा दे तो क्या होगा ये जो होगा, यानी कि जैसे कि अगर ये प्रेशर है अगर खुले वातावरण में मानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर पानी उबलने लगा, अब ये प्रेशर अगर हम 2x कर दें, मतलब प्रेशर क्या कर दिया हमने 2 गुना कर दिया, तो 100 की जगह आपको देखने को मिलेगा कि इससे ज्यादा पर, मतलब 200 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा पानी अब उबलेगा। इसी तरह से अगर हम प्रेशर को 10 गुना कर दें तो ये तापमान क्या हो जाएगा और ज्यादा तापमान पे जाने के बाद पानी उबलेगा, ये चीज आपको देखने को मिलेगी, यानी कि गलनांक पॉइंट और क्वथनांक पॉइंट बढ़ जाता है। इसी तरह से ये प्रेशर तो हमने यहाँ पर ऐसे बढ़ाया, लेकिन आप देखेंगे हमारी जो पृथ्वी है पृथ्वी में गहराई बढ़ेगी तो आपको देखने को मिलेगा प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, इसीलिए पृथ्वी के अंदर अधिक गहराई में तापमान अधिक होने के बावजूद भी आपको देखने को मिलेगा कि जो इनर कोर है ना वो क्या है ठोस अवस्था में बना रहता है, किस अवस्था में बना रहता है ठोस अवस्था में बना रहता है, तरल अवस्था में ना होने का कारण क्या है
समझ गए आप लोग, अधिक दाब का होना है, क्या है, अधिक दाब का होना है। ओके चलिए, आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा, अगर डाउट हो तो बता दीजिए, वैसे तो डाउट नहीं रहना चाहिए क्योंकि इतने अच्छे से समझाते हैं, तो डाउट वाली तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। तो मैसेज करिएगा कौन कौन अभी ऑनलाइन है, और कल भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आज आपको इतनी सारी चीजें समझ में आई, आप जाइएगा इसमें से एमसीक्यूज थोड़े से खोजिएगा, एमसीक्यूज लगाने का प्रयास करिएगा, इससे रिलेटेड सभी एमसीक्यूज लगा देंगे। बस इसमें हमने अभी आपको ऊंचाई गहराई नहीं लिखाई है, वो कल लिखा देंगे। ओके ऊंचाई गहराई सिर्फ नहीं लिखाई है, वो कल लिखा देंगे, या फिर आप लोग 11th क्लास की एनसीईआरटी उठा करके देखिएगा, पढ़ लीजिए जा करके, इससे कमी उसमें देखने को मिलेगा, वहां पर आपको ऊंचाई गहराई सब पता होगा, वहां पर जाकर के देख लेंगे, सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ओके तो चलिए चलते हैं फिर। ओके गुड नाइट, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और एकदम टेंशन नहीं लेना, सब एकदम तनाव मुक्त होकर आप लोग पढ़ाई करिए। चलिए आज के लेक्चर यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, आप लोगों के मैसेज अब नहीं आ रहे हैं, कोई डाउट का आप लोग सभी बोल रहे हैं नो डाउट, बहुत अच्छी बात है।